प्रिंसिपल साहब, कॉलेज का ये कमरा सालों से बंद है ना? हाँ। ये पेंटिंग रूम हुआ करता था ना सर? हाँ, हमने इसे स्टोर रूम बना दिया है। क्यों क्यों सर? तुम सिर्फ अपने काम से काम रखो। आप लाइब्रेरी की बुक यहां क्यों रख रहे हैं? तुमसे कहा ना कि अपने काम से काम रखो बस। सॉरी सर। और सुनो जी, ये कमरा बिल्कुल वैसे ही बंद रहना चाहिए जैसा कि हमेशा रहता है। जी सर। हालत में खुलना नहीं चाहिए। कुछ कमरे कुछ राज बंद रहे तो ज्यादा अच्छा है। बच्चे कहाँ हैं? अभी तक आए नहीं? मैं देखती हूँ। मना क्या? हे भगवान, अबे यार, नीचे लोग इंतजार में सूख के दुबले हुए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी हालत देख लो। क्या बात चल रही बताओ ना। कुछ नहीं, हम तो अभी किस करने वाले थे। हाँ तो क्या हुआ, हमारी सगाई होने वाली है, हम तो किस कर सकते हैं ना। शांति। ओहो मानव, तुम इससे क्या शर्मा रहे हो? ये कोई शरीफ नहीं है। पता है कैसी कैसी पिक्चर देखता है वो? क्या थी, रेशमा की जवानी। नहीं, चुप। एक मिनट, कमीने, तू अकेले गया था फिल्म देखने के लिए? सॉरी यार, स्टोरी बताऊं? बता बता। माइंड ब्लोइंग है। टीवी पे प्रोमोज आते हैं ना, उसमें कुछ दिखाते ही नहीं है यार। हा? तीसरे सीन के बाद बलबीर पाशा की एंट्री। क्या बात कर रहा है? एकदम इंग्लिश। शट अप। ओके शांति। शट अप। ओके Hi. तुम्हें घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? Not at all. Congrats. Thanks. क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे यार, तुम लोग एक दूसरे का मूवी देखते रहोगे या कुछ डांस वांस भी करोगे यार? आए हो किस बगिया से? लगता है तुम इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई हो। चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। ये बच्चे तुम्हें घर छोड़ आएंगे। हाँ
तुम सबने क्या झूमर की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा है क्या? टल्ली, एक बात बोलूं? क्या? काश दिशा को तूने बचाया होता तो आज मानव अशांति से पहले तेरी और दिशा की सगाई हो जाती। मैंने सोचा ही नहीं यार, इतना अच्छा मौका हाथ से गया। शिट, मौका दोबारा भी मिल सकता है। कैसे? अगर दिशा दोबारा से उस झूमर के नीचे खड़ी हो जाए तो। चुप रहो तुम दोनों। सुन, अगर दिशा उस झूमर के नीचे खड़ी भी हो जाए तो क्या गारंटी कि झूमर दोबारा गिरेगा? तुम लेते हो गारंटी? वो तुम लेते हो? तुम लेती हो? हाँ, कबीर की। हाँ? क्या? अरे बाबा, गारंटी, जब से मैंने कबीर की गारंटी ली है ये कभी किसी लड़की पर नहीं गिरा। कबीर, अबे खोल दरवाजा, खोल दरवाजा, खोल। कबीर तुम क्या कर रहे हो? कैसी गाड़ी चला रहा है यार? अबे तू पागल हो गया क्या? अरे ब्रेक मारते हैं, ब्रेक को मारते नहीं है। अरे यार, वहां पे बर्फ की दीवार थी यार। कोई बर्फ बर्फ नहीं है। वहां तो मैं सच कह रहा हूं यार, कबीर कहां है? कुछ भी तो नहीं दिख रहा है। गाड़ी की चाबी कहां है? हां, गाड़ी में। मैं गाड़ी चला रहा हूं, तू पीछे बैठ। चलो, कम ऑन, चलो चलो चलो, कम ऑन। मेंटल अटैक, कमाल है। क्या हुआ इसे? क्या खाक गाड़ी चलाएगा? गाड़ी का टायर पंचर है। ओह नो, अब क्या करे? टायर भी पंचर हो गया और यहाँ तो ठंड। ओह, यहाँ तो ठंड भी बहुत है। कापो। अक्षय की फोन आया। हेलो हेलो हेलो, हाँ वो क्या है? एक काम करो, तुम टायर बदलो, विल चेक इट आउट। चले कबीर। अबे तू कहाँ जा रहा है? चल से अपनी चेंज कर। लेकिन यार। अबे तेरी माँ खुश हो जाएगी। लेकिन यार। अरे मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं बन सका, कम से कम अपनी माँ को मैकेनिक तो बन के दिखा दे। चल, ऑल द बेस्ट, बाय। मैं आ रहा हूँ। दरवाजा भी खुला है, शायद किसी ने हमारे स्वागत के लिए खोल के रखा होगा। लगता है घर काफी दिनों से बंद था। अच्छा हुआ तूने बता दिया, वरना हमें तो पता ही नहीं चलता। It's cold. कौन है? कबीर, अरे क्या हुआ? कबीर क्या हुआ? क्या हुआ ऐसे? कबीर बताओ, बताओ। वो हाँ, वहाँ क्या? वो कमरे में। हाँ, दिशा को क्या? पर्दा, क्या बोल रहा है? पर्दा। पर्दे से डर गया? देखो, आज तो तुम सबको एडमिट करना ही पड़ेगा कि हमारे ग्रुप में कबीर ही सबसे। अरे यार, मेरी बात मानो यार, मानो। मैं जब कमरे में गया था, वो पर्दे से मुझे लपेट गया।
आग है क्या? Oh, अरे लकड़ी चाहिए यार, आग नहीं जलानी क्या? ओह गॉड, उसने ऐसे अटैक किया जैसे उसे लकड़ी नहीं लड़की चाहिए जलाने के लिए। दोस्त ऐसे हो तो दुश्मन की जरूरत किसे है यार? इस टायर को ढोते ढोते मैं टायर्ड हो गया हूं बे। अरे देखो वहां भी एक रूम है। हाँ वहां गंदा होगा ना? गंदा ही होगा। हाँ ठीक हो यार। क्या हुआ? कौन है? कौन है वहां? अरे कोई नहीं है यार, मैं हूं। वो आया था, उसी ने मेरी चेन खींची। यहां तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी चेन इस खिड़की में अटक गई होगी। यही कही है। कौन? अमर। अमर? अमर मेरा प्यार। प्यार? यानी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्यों, जब तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो सकते हो तो उसका कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं हो सकता? लेकिन मैं तुम्हारे जान के पीछे थोड़ा ना पड़ा हूँ। तुम गलत समझ रहे हो, वो साइको है ना? उसकी हरकतें देख कर हम उसकी दिमागी हालत समझ गए। ऐसी बात नहीं है अमर, अमर कुछ भी कर सकता है, वो कहीं भी आ सकता है। लगता है अमर वापस आ गया। क्या बात? इतनी दरार तो नहीं थी, अचानक कहां से आ गई? अरे अमर ने किए, भूत है ना वो, उसके होते हुए कुछ भी हो सकता है। दिशा पर अटैक हो सकता है, पेंटिंग गिर सकती है, दीवार पर दरार बन सकती है। अब देखना, शायद दरार में से खून भी निकलने लगे। ये क्या, पानी निकल रहा है? पानी? लगता है ज्यादा पावरफुल भूत नहीं है इसका बॉयफ्रेंड। चुप रहो। कमान दी, बहुत बोल चुके मेरे अमर के बारे में, बस। कमान दिशा, देख रही हो तुम क्या हो रहा है? अक्षय रिलैक्स। मेरा अमर मर चुका है, मर चुका है मेरा अमर। लेकिन आज भी मुझे ऐसा लगता है कि वो यही कहीं है, मेरे आसपास है। मानव, मानव, अच्छा ली गाइस, गाड़ी के चारों टायर ब्लास्ट हो गए यार। क्या बात कर रहा है? क्या? मैं सच कह रहा हूँ यार, माँ कसम। क्या? आई डोंट बिलीव इट। कबीर तू जाके देख। हाँ, हाँ। अक्षय तू मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करता यार? तेरे दिमाग में ठंड चढ़ गई, आग के पास बैठ, ठीक हो जाएगा, आ जा। मानव, अक्षय तेरे ठीक कह रहा है यार, चारों टायर ब्लास्ट हो गए यार।
क्यों, तुझसे भी ज्यादा डरावनी थी क्या? सलाम साहब, काम हो गया। वाह भाई साहब, आपने तो बड़ी जल्दी चारों टायर के पंचर ठीक कर दिए। अरे नहीं साहब, एक ही टायर पंचर था। एक? लेकिन रात को तो चारों टायर पंचर थे। हाँ यार। नहीं नहीं, एक ही टायर पंचर था साहब। कितने हुए? 50। ये ले। थैंक यू साहब। टली, तूने तो कहा था रात को चारों टायर पंचर थे। माँ कसम यार, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तो बाकी के तीन कौन? अमर खन्ना आके ठीक करके गया क्या? बकवास बंद कर। अमर खन्ना ही आया होगा। अमर खन्ना? ये कैसे जानते हैं अमर खन्ना को? अरे पहुंचा मेरी माँ। अरे 5 मिनट तो लेट हूँ। I'm coming। अरे आ रहा हूँ। अरे मेरी राजधानी। I'm coming। ओके। इतना बकबक करती है। But I love। मिया, तुम्हारी ये जैकेट देने आई। नहीं नहीं, प्लीज वेयर इट, तुम पे अच्छी लगती है। एनीवे, तुम कहीं जा रही थी? कॉलेज। कॉलेज? मैं भी कॉलेज जा रहा था। शुड आई ड्रॉप यू? लेट आने की भी एक लिमिट होती है, समझता क्या आपने आपको? वैसे तो लड़कियां लड़कों को वेट कराती हैं, लेकिन एक मैं हूं जो पहले तो 10-15 मिनट लेट होता था, लेकिन आज 40 40 मिनट लेट है। मिनट तो घंटों में बदलेंगे और घंटे दिनों में। क्या मतलब? मतलब तेरी तो सगाई हो चुकी है। अब वो तुझे taken for granted ही लेगा, है ना? ए, तू चुप रहा, तू क्या जानती है मेरे मानव के बारे में? हाँ, मैं तो बस तू जाके अपने कबीर को संभाल, वरना तेरी तो सगाई भी नहीं होगी। वो देख कबीर को लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। अरे ये लड़कियां भी पहले दिन बात करती है और दूसरे ही दिन हाथ पकड़ती है। अच्छा, अब तुझे कैसे पता? मैंने भी तो वैसे ही किया था। तुम्हारे रेशमी बाल कितने सुंदर हैं और नरम हाथ, ये सिर्फ मेरे जैसे इंसान के लिए। I love you, baby. मैं जब भी मानव के साथ ऐसे रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मानव जब भी ऐसे दिशा के साथ रहता है ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मानव और दिशा साथ में कितने अच्छे लगते हैं, है ना शानू? You just shut up! अरे यार, मेरे कहने का मतलब था कि गलती मानव की, मानव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, बाय। मानव, तुम्हारा जैकेट उसके पास क्या कर रहा है? तुम इतनी लेट क्यों आए हो? What is happening? मौसम खराब था। मौसम नहीं, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। सुबह से तुम्हारा वेट कर रही हूं और तुम इतनी लेट आए हो। You don't care for me anymore. This is wrong. This is beautiful. How beautiful. तुम कितनी सुंदर लग रही हो। Really? और बाल? Wow. Silk. कितने सुंदर लग रहे हैं। वो हाँ? मैंने आज ही स्ट्रेटन करवाए हैं ना। अच्छा? इसलिए। मैं तुम्हारे बारे में नहीं, मैं दिशा के बारे में बात कर रहा था। यहाँ क्या कर रहा है? वो अंदर है ना, उसी को। कौन वो? दिशा, तेरी भाभी, माँ की होने वाली बहू। नहीं नहीं, मानी मानी अपने लिए नहीं, माँ के लिए कर रहा हूँ। अरे माँ, नहीं नहीं नहीं, अरे माँ नहीं। तू अंदर कहाँ जा रहा है? किताब लाइब्रेरी रखने जा रहा हूँ। अच्छा, किताब रखने जा रहा है या उससे मिलने जा रहा है? मिलने जा रहा हूँ तो देख। चल दिखा। ये मैं, वो और तू। औकात मेरे। हाय। हाय। ताजुब की बात है, मैं ये किताब लेने आया था। कहाँ लेकर जा रहे हो? वहाँ पे।
कहीं अनकहीं बातें जी। इस किताब का टाइटल है। अच्छा, लगता है कि आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। वैसे तो नहीं है, पर हाँ ये किताब जरूर पढ़ना चाहूंगी। अच्छा, क्या इस किताब में? प्यार की बातें, जो दो लोग सिर्फ महसूस करते हैं पर कहते नहीं। सुनने से ज्यादा मायने रखता है इसे समझना, कहने से ज्यादा इसे करना, और देखने से ज्यादा इसे महसूस करना। देख लिया? शांति शांति, लाइब्रेरी है, प्लीज कीप शांति। देख लूंगी तुम्हें। साइलेंट, शांति मेरी बात तो, शांति मेरी बात सुन, शांति शांति। अब कहीं अनकहीं बातें, दिशा की फेवरेट किताब, अगर इसमें क्या ये मैं जान गया तो मैं दिशा को जान गया। मॉडलिंग की एक्सरसाइज देखो। बैलेंसिंग बैलेंसिंग करती है तू? हाँ तो कर। अच्छा ठीक है, ये वाला नहीं, मेरी लाइफ को बैलेंस कर। कैसे? ये किताब ले, इसको पढ़, इसमें से 10-12 प्यार भरी बातें, अरे पूरा सुन तो ले, 10-12 प्यार भरी बातें मुझे बता दे। दिशा को इम्प्रेस करना है। दिशा को? यस, आई लव हर। व्हाट? नहीं चाहिए मुझे कोई रिश्ता। जब रिश्ता निभाना नहीं तो रखना क्यों? उतारना चाहती हो? हाँ। ला, आई हेल्प यू। अरे जब रिश्ता निभाना नहीं तो फिर रखना क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती ना? नहीं नहीं। अभी नहीं। हेलो, बुक पढ़ी? अरे टली, तू इस बुक के पीछे क्यों पड़ा है? माँ की खातिर। क्या? मेरी माँ का सपना है कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। मेरे बाल पकने से पहले मेरी माँ मेरे बाल बच्चों को देखना चाहती है। अरे तू और तेरे सपने दोनों तेरे हाथ में है। चुपचाप फोन रख, जा वो किताब पढ़। अच्छा बाबा, अच्छा, एक घंटे बाद फोन कर। एक घंटे बाद? ओके, 5 मिनट में करता हूँ। बाय बाय। हेलो टली, हाँ हाँ मैंने बुक पढ़ी। हाँ। उसमें लिखा है कि अमर खन्ना। हेलो 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 टली टली। हेलो हेलो टली। हेलो, कट गया?
तुम। मैं कहती हूँ कौन हो तुम? पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। सिट सिट सिट, पॉपकॉर्न, एनीबडी एल्स एनीथिंग? नो, हाँ, नो थैंक्स। मानव इज सो स्वीट ना, सो स्मार्ट, जरूर दिशा से मिलने गया होगा। हाँ, तूने उसे बाहर रुकने दिया होता तो पॉपकॉर्न का बहाना तो नहीं बनाना पड़ता उसको। एनीवेज, डोंट फील बैड, नाइस एड। एक मिनट। हे मानव, सॉरी आई एम लेट, पिक्चर स्टार्ट होगी क्या? आई डोंट थिंक सो, अभी तक शांति की चीख नहीं सुनाई दी ना, हॉरर फिल्म है ना। कम कम लेट्स गो प्लीज गो। अरे शांति तो मैं तो अंदर ही आ रहा था, पॉपकॉर्न लेके। डर गई ना? मैं क्यों डरूंगी, डरते तो वो लोग हैं जो लोग गलत काम करते हैं। शांति, जैसे कि तुम। व्हाट्स योर प्रॉब्लम मां? मैं सगाई के दिन से देख रही हूँ, जब से मानव ने तुम्हारी जान बचाई है तुम तो उसके पीछे ही पड़ गई हो, उसे अपना समझने लगी हो। शांति तुम ये क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। Damn it, what do you think of yourself? अपने प्यार की तो बड़ी दुआएं दे रही थी और अब मेरे प्यार के पीछे पड़ गई हो? Come on, stop it now. तुम जैसी बेशरम लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। Damn it. Enough, Shanu. Disha. What is wrong with you? Disha, Disha, Disha. Too much. Sorry, Disha. शांति के लिए मैं माफी मांगता हूँ। It's okay. अगर मैं शांति की जगह होती तो शायद मैं भी यही करती। सब अपना प्यार पाना चाहते हैं, मेरा प्यार भी कुछ ऐसे ही था। तुम्हारे और अमर खन्ना के बीच में हुआ क्या था? मैं उसे अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करती थी, शायद इसीलिए हम दोनों के बीच में जिंदगी कम पड़ गई। प्यार और जज्बात एक दूसरे के लिए उतने ही थे, भगवान ने वक्त एक को कम दिया और एक को ज्यादा। अजीब बात है ना, मेरे लिए वक्त बिताना इतना मुश्किल है और उसे बिताने के लिए वक्त ही नहीं मिला। मैं गुस्सा हूं भगवान से जिसने मेरे अमर को मुझसे छीन लिया। मैं गुस्सा हूं अमर से जो सब कुछ कर रहा है। मैं गुस्सा अपनी किस्मत पर जिसने मुझे जिंदगी दी और अमर को मौत। अगर जिंदगी मिली है तो उसे जीना तो पड़ेगा ही। यू मस्ट लिव माई फ्रेंड, यू मस्ट लिव, जियो। मतलब शानू आ रही है। शानू, छोड़ो, शानू मैडम के लिए कॉफी ला फटाफट। अभी लाया साहब। हाय शानू। हाय टली, तू जो शानू के बारे में बोल रहा था बता दू उसको। मैं क्या बोल रहा था मेरे बारे में? छोड़ ना यार,
तू तो जानती है पागल है, कुछ भी बकता रहता है, क्यों कबीर? हाँ, हाँ, तो कुछ खाएगी? नहीं, मुझे ये बता कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहा था। टली बोलना, इसके पीठ पीछे तो क्या क्या बोल रहा था? यही बोल रहा था ना कि ये कितनी डरपोक है, दिशा बहादुर है। जाने देना यार, ये खुद क्या कम डरपोक है? हाँ, क्यों कभी? हाँ, लेकिन लेकिन लेकिन, लेकिन इसने का बच्चा? दिशा से कंपेयर कैसे किया तुझे? How could you? पता है क्या क्या बोल रहा था? हाँ, क्या बोल रहा था? कि दिशा कितनी स्मार्ट है, एडवेंचरस है। नहीं टली नहीं, इस बार मैं तुझसे शर्त नहीं लगाऊंगा। कैसी शर्त? इस इडियट ने शर्त लगाई है कि दिशा आधी रात को भी जंगल में जा सकती है, परेशान हो लाइब्रेरी तक नहीं जा सकती। अरे ये लाइब्रेरी चली भी गई तो होगा क्या? गो, 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 क्या होगा? हम लोग इसे दिशा की तरह बहादुर कहेंगे, और क्या? उससे क्या होता है? सैंडविच लेगी? नहीं, मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, और वो भी अकेले, इसी वक्त, समझा तूने टली? अरे शानो तेरी कॉफी, शानो। एक बार हॉरर सिनेमा देखते देखते मैंने चिल्ला क्या लिया था, मुझे डरपोक समझने लगे। एक्चुअली मैं तो हीरोइन के मेकअप को देख के डरी थी, और जब सब लोग डर रहे थे तब तो मैं जोर जोर से हंस रही थी। इन्हें क्या पता कि हॉरर फिल्म्स डराने के लिए नहीं, हंसाने के लिए बनती हैं। वैसे देखा जाए ना तो हमेशा मेरी ही गलती होती है, मैं हमेशा इनकी बात मान लेती हूँ। बट नो, दिस इज द लास्ट टाइम। यहाँ से लाइब्रेरी तक। हेलो, मैं नहीं डरने वाली, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है, मैं डरपोक। मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ, इडियट। मुझे डरपोक समझते हैं। अक्षय, जी हाँ, कहीं अन कहीं बातें मुझे अच्छी तरह याद है। वो किताब मैं खुद जाकर स्टोर रूम में लॉक करवा कर आया था, बहुत पुरानी बात है, बल्कि आपके ही कहने पर। अगर लॉक करवा के आए थे तो फिर वो किताब लाइब्रेरी में कैसे पहुंच गई? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तो खुद हैरान हूँ। हो सकता है हमारे किसी प्रोफेसर ने या स्टूडेंट ने वहां जाकर। प्रिंसिपल साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? अगर मैंने आपको कहा था कि वो किताब लॉक करवा दीजिए तो उसके पीछे कोई ठोस वजह थी। That book spells doom, death, destruction. 50,000 कॉपीज छपवाई गई थी उस किताब की, उन्हें 5 अलग अलग शहरों में भेजा गया था। एक किताब भी नहीं पहुंची, 2 ट्रक खाई में गिर गए, एक पूरा का पूरा शिप कंसाइनमेंट लिए हुए डूब गया, और एक ट्रक तो अपने आप उसमें आग लग गई। अब लोग कहते हैं कि किसी ने आग लगाई होगी, बट दे डोंट हैव एनी प्रूफ, एंड आई नो व्हाट इज द ट्रूथ। जो कॉपी मैंने आपको लॉक कराने के लिए कहा था वो उस किताब की आखिरी कॉपी है, उस किताब के आखिरी 4 पन्नों में कुछ ऐसा है कि वो किताब जहां भी जाती है एक, हाउ शुड आई से, मैंने आपको कहा था ना, आई वॉन्ट द बुक बैक। नुपुर, अक्षय, कबीर, टली, मैं जानती हूं तुम लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो,
रिलैक्स यार, तू इतनी घबराई क्यों है? मेरी तो जान ही निकल गई थी। वो नूपुर की बच्ची, मैं उसे देख लूंगी। वो समझती है क्या अपने आपको? वो शांति, नूपुर दिल्ली में है। हाँ, अच्छा तो नूपुर दिल्ली में, तो क्या स्टोर रूम में उसका भूत बैठा हुआ है? आओ दिखाती हूँ। ले कबीर ले, देख लिया? अब ये हम दोनों को डरा रही है। ये शायद जानती नहीं है कि अगर अक्षय को कोई डरा सकता है तो वो है टल्ली। टल्ली, क्या शक्ल पाई है उसने। वाह, वो पैदा ही मुर्दा हुआ था। उसकी एक झलक 3 घंटे की हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावनी लगती है। शांति, अगर इस अंधेरे में तूने टल्ली को देख लिया होता तो तू मानव की शक्ल भी भूल जाती। शुक्रिया साहब, रख लो। नुपुर, 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 नुपुर। पिक इट अप। कबीर, टल्ली बोल रहा हूँ। टल्ली, कहाँ है तू? नुपुर के घर पे। नुपुर के घर? वो तो दिल्ली में। या कुछ गड़बड़ है। I'm sure. तू तुरंत आ जा। मैं आता हूँ, तू वहीं रुक। Come quickly. नुपुर, 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 नुपुर यार, come on. नुपुर, 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 यार ये लड़का। तो फिर किताब ही गई थी। पता नहीं ये किताब मनहूस है या नहीं, लेकिन इससे पहले कि कुछ गलत हो मुझे इसे लाइब्रेरी में रख देना चाहिए। बिल्ली, तू ठीक है ना? थैंक गॉड तुझे। कबीर, कबीर, वाह वाह वाह। क्या वाह? वो क्या टली? वो कित? रिलैक्स, तू इतना डरा हुआ क्यों है? चल यहाँ से निकलते। अरे कुछ बताएगा? मैं बाद में बताऊंगा, प्लीज यार यहाँ से निकलते अभी। चल यार, कुछ तो बता। तू चल यार कबीर, प्लीज। टली, बात क्या है? तू कुछ बोल रहा क्यों नहीं है? अरे टली, तू जा यार। अरे हुआ क्या टली? टली, मेरा बैग, मेरा बैग तो कबीर की गाड़ी में। ओ शिट, टली, हेलो कबीर, कबीर सुन। हाँ बोल टली। बुक है तेरी गाड़ी में, मेरा बैग रह गया है यार। हाँ हाँ यही है। अच्छा सुन, उस बैग में एक बुक है, वो बुक मुझे आज ही कॉलेज में रख देना है वापस, बस। हाँ तो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हम लोग मानव के परफॉर्मेंस के लिए कॉलेज में मिल रहे हैं ना, तब रख लेंगे, ठीक है ना? ओके, तब तब। आखिर बात क्या है? तू इतना डरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं, कुछ नहीं एक्चुअली। वो बुक मत पढ़ना कबीर, प्लीज प्लीज। कबीर तू सुन रहा है ना? हा? कबीर उस बुक को खोलना मत। उस बुक के अंदर जो है वो, मैं तुझे बाद में समझाऊंगा। कबीर देख, मैं तुझे कॉलेज में मिलता हूँ। ओके ठीक है, बाय बाय। कॉलेज में बुक रखना भी है और बुक पढ़ना मत, ये भी कोई बात हुई?
लगता है टली कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। देखता हूं इस बुक में है क्या, कहीं अनकहीं बातें। नुपुर, मैंने तुझसे कहा था ना किताब मत पढ़ना, क्यों पढ़ी? अरे तू मेरी बात सुन यार। कुछ मत बोल, मेरी बात सुन, अभी इसी वक्त मुझे कॉलेज में मिल, मैं आ रहा हूं। ठीक है। चाबी पर्स। टली, कहाँ है टली? कबीर, टली कहाँ है तू यार? फर्स्ट फ्लोर पे तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। चल 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 चल। कहाँ? शो तो आए। अरे शो बाद में, अभी लाइब्रेरी में जाना है पहले यार। लाइब्रेरी? अरे मुझे बुक रखनी है। अरे यार ये कबीर बिना पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा यार। अच्छा तू वहां ढूंढ प्लीज यार, मैं इस तरफ देखता हूँ। कहाँ है टली? टली कबीर कहाँ है तू यार? मैं यहाँ हूँ लाइब्रेरी के बाहर। लेकिन लाइब्रेरी तो बंद है ना बॉस, वहाँ क्या? हाँ तू कहाँ है? मैंने कहा ना स्टोर रूम में तेरा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आना बॉस। ठीक है मैं आता हूँ। चले चले,
टेली का फोन आया तो मुझे फोन कौन कर रहा था? यार मैंने उसे कॉलेज में बुलाया ले मेरा फोन उसके पास है। कॉल ऑन माय फोन। बड़ी जल्दी याद आया। प्लीज यार जस्ट कॉल हिम। टले हाँ वॉइस टैग। ओ वो देख मिल गई तुझे तेरी बुक। हाँ थैंक गॉड। लेकिन ये कबीर इसे यहाँ छोड़कर कहाँ चला गया यार? अबे नूपुर आ गई होगी यार, वो उसे लेने क्या होगा, वो दोनों सीधा शो में ही पहुंचे। अबे यार शो वो सब ठीक है यार, लेकिन इसे ऐसे यहाँ छोड़ के जाना इट्स रॉन्ग यार। अरे यार लाइब्रेरी बंद होगी इसलिए यहाँ छोड़ गया होगा। तुझे तेरी बुक मिल गई ना, अब तो खुश है ना? चल अभी चल यहाँ से। अबे चल चलना लेकिन चल। यू नो मानव, आई एम सो एक्साइटेड कि तुम आज परफॉर्म करने वाले हो। आई एम श्योर तुम्हारा आज का परफॉर्मेंस आज तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा। व्हाट डू यू से? या क्या बात है, कुछ और सोच रहे हो क्या? मैं वही सोच रहा था कि किसी ने दिशा को इन्फॉर्म किया। हैज एनीवन गॉन पिक हर अप? क्यों करेगा कोई उसे इन्फॉर्म, क्या वो खुद नहीं आ सकती? तुम्हारे मूड को क्या हुआ? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिशा यार। दिशा दिशा दिशा, नाउ दिस इज गेटिंग टू मच। हां जिस दिन से वो हमारे कॉलेज में आई है तुम उसी के बारे में सोचते हो, उसी के बारे में बातें करते हो। आज मुझे रियलाइज हो गया है कि मैं जो कुछ भी सोचती हूँ तुम्हारे बारे में वो बिल्कुल सही है। ये बात नहीं है, वो कॉलेज में अकेली है, that's why I feel a little protected towards her. उसके लिए protective? और मेरे लिए? तुम्हें आज ये फैसला लेना ही होगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? Tell me, do you love her? क्या तुम उसे प्यार करते हो? तुम मुझे बताओ। मैं तुम दोनों के रास्ते से हट जाऊंगी, तोड़ दूंगी ये सगाई। Tell me what you want, man. Be honest. You want me to be honest? I'll be honest to you. ये बात सच है कि उसमें एक अजीब सी कशिश है जो मुझे मजबूर कर देती है कि मैं उसके साथ रहूं, उसका सहारा बनूं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है that I love her. I love you, damn it. साथ? सहारा? शांति। क्या है उसमें? अजीब सी कशिश। शानू। 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 शांति अचानक चली गई, झगड़ा हुआ होगा ना फिर से? अरे टेंशन मत ले यार, जैसे गई है वैसे वापस भी आ जाएगी। हाय। हाय दिशा। क्या हुआ, तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं यार, नॉर्मल स्टफ, दोनों का फिर से झगड़ा हो गया। हाँ लेकिन ये राम कहानी हम तुम्हें बाद में सुनाएंगे, अभी इसका परफॉर्मेंस है ना। ए चलना मानव। दिशा के घर तो जाना ही पड़ेगा, समझती क्या आपने आपको? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, आज तो ये फैसला होकर ही रहेगा। हेलो कोई है? किससे मिलना है? दिशा से। दिशा कहाँ है? दिशा? हाँ मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। तुम जानती हो दिशा को? बहुत अच्छी तरह जानती हूँ उसे। वैसे आप कौन है? मैं दिशा की माँ हूँ। ओ सॉरी, प्लीज आप दिशा को बुलाइए ना, मुझे उसे इसी वक्त मिलना है। लेकिन तुम उसे कैसे मिल सकती हो? मेरा उसे मिलना बहुत
जरूरी है। आज ये फैसला होकर ही रहेगा। बहुत सहन कर लिया मैंने, मैं और नहीं सह सकती। सहा तो दिशा ने था। दिशा कहाँ है? दिशा को मरे हुए 22 साल हो चुके हैं। कह रही हूं वो कान खोलकर सुन। दिशा, दिशा है ना, वो मर चुकी है। शांत हो जाओ बेटा, शांत। नहीं बेटा, नहीं, शांत हो जाओ। दिशा, डॉक्टर साहब इसे हुआ क्या? आई थिंक शी इज सफरिंग फ्रॉम ट्रॉमा। किसी घटना दुर्घटना की वजह से इनको काफी सदमा पहुंचा है। ये कुछ वक्त तक बोल नहीं पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा नहीं बोल सकेंगी। कुछ देर आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगी। तो मैंने जो मेडिसिन दी हैं, वो टाइम से देते रहेंगे। याद रखिए, आराम बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक यू मैम, आपने हमें कांटेक्ट किया, लेकिन आपको मेरा नंबर इसके मोबाइल से। मेरा नाम सुनीता है।
सुनीता मेनन। सुनीता मेनन, सुनीता मेनन अक्षय, नाम नहीं सुना तूने यार? बहुत बड़ी ज्योतिष है, अंग्रेजी में इन्हें ऑरा रीडर कहते हैं, कुछ कुछ लोग इन्हें भगवान का दूत भी कहते हैं, तो कोई लोग तांत्रिणी। मैंने तो सुना है कि भूत पिशाच को वश में करने की शक्ति रखती है ये। मतलब तू तो गया आज, तू भी तो भूत पिशाच की कैटेगरी में आता है ना टल्ली। एक बात सोच, अगर ये भूत प्रेत नहीं होते तो ये कहाँ होती? इसकी तो कंपनी भूतों और आत्माओं की वजह से चल रही है। क्या प्रोफेशन है और नाम भी क्या पाया है। नाम जो भी हो, मेरा काम है लोगों की मदद करना, और ये मेरा पेशा नहीं, शौक है। आप लोग चाहो तो मेरे गेस्ट रूम में रह सकते हो। गेस्ट रूम नहीं, घोस्ट रूम होगा। चल चल। मेरी बात पर यकीन करो, मेरे और दिशा के बीच में कुछ भी नहीं है। मानव, वो दिशा, वाइस, वो अपने आप को संभालो, ऐसा कुछ नहीं है शांति, मैं हूं ना। क्या शांति, मेरी बात समझने की कोशिश करो। सुनो, ये सब तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वहम नहीं, हकीकत है। सुनीता जी, देखिए बाहर अंधेरा धूप। ये जो देख रही है वो मैं भी देख सकती हूँ। तुम लोगों पर किसी आत्मा का साया मंडरा रहा है। नहीं नहीं, मैं इन चीजों को नहीं मानता। तुम्हारे मानने या न मानने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। बट हाउ इज दैट पॉसिबल, मैं कैसे मानूं जो चीज मुझे दिखाई नहीं देती। जरूरी नहीं है जो दिखाई दे वो सच हो। शांति का डर सच है, और उसका सबूत ये है। तुम्हारे हर सवाल का जवाब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए एक ही रास्ता है, मुझे अपनी शक्ति से उस आत्मा को बुलाना ही होगा। ये कर क्या रही है? दिवाली मना रही है। अबे इतनी मोमबत्ती और कब जलाते हैं? अबे आत्मा को बुलाने के लिए यार। हाँ हाँ, आत्मा आएगी, हम उसके साथ कैंडल लाइट डिनर करेंगे और साथ में। डरो मत, जो लोग कुदरत की शक्तियों से अनजान होते हैं मैं उनकी बातों का बुरा नहीं मानती। शायद तुम लोगों को ये बात नहीं मालूम कि दिवाली की रात भी अमावस की रात होती है, इसलिए उसे मिटाने के लिए दिए जलाए जाते हैं। चलो तुम लोग इस सर्किल के अंदर आ जाओ। आत्मा को बुलाने के लिए आप लोगों को अपना अपना हाथ इस बोर्ड पर रखना होगा। उसके बाद मैं आह्वान मंत्र पढ़ूंगी, जबकि दौरान कोई भी इस बोर्ड से
अपना हाथ नहीं हटाएगा। मंत्र पूरा होते ही आत्मा खुद ब खुद यहां आ जाएगी। जब तक सियांस चलेगा कोई सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। बाहर जाने से तुम लोगों की जान को खतरा हो सकता है। मतलब इस सर्कल के अंदर हम लोग सेफ है ना? यहां तो आत्मा नहीं आ सकती। आत्मा कहीं भी आ सकती है लेकिन इस सर्किल के अंदर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप अमर खन्ना की आत्मा को बुलाइए, सारी मुसीबत की जड़ वही है। ऐसी कोई आत्मा नहीं है। अगर होती तो अपने आप आ जाती। मैं कह रही हूं ना, आप दिशा की आत्मा को बुलाइए। सानू तुम्हें क्या बात कर रही हो? वो यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो जिंदा है। वो मर चुकी है। प्लीज सुनीता जी, आप दिशा की आत्मा को बुलाइए, वो मर चुकी है। अभी पता चल जाएगा। दिशा की आत्मा भी नहीं आई। होगी तो आएगी ना। चलो अभी। क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे? क्यों बुलाया मुझे? 20 साल पुरानी आत्मा हो, क्या चाहती है उन बच्चों से? मौत। मैंने कहा था ना, दिशा मर चुकी है। इसी ने कबीर को मारा है। तूने तूने कबीर को मार डाला? हाँ, मैंने कबीर को मार डाला और नुपुर को भी। जो भी मेरे बीच में आएगा मैं सबको मार डालूंगी। मेरे होते हुए
तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने तुम्हें अपने वश में कर लिया। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं आ भी सकती हूँ और जा भी सकती हूँ। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, जाने नहीं दूंगी। रुक जाओ, कोई सर्कल से बाहर नहीं जाएगा। उसमें लिखा है कि अमर खाना नुपुर दिल्ली में, तो क्या स्टोर रूम में उसका भूत बैठा हुआ है? वो कमरे में वो पर्दा है। मेरा अमर मर चुका है। कबीर को मैंने मारा और नुपुर को भी। यह हमारी बदकिस्मती है कि सियांस पूरा नहीं हो सका, वरना हम जान जाते कि दिशा चाहती क्या है और क्यों तुम सबकी जान के पीछे पड़ी है। अगर आज आपने अक्षय को नहीं बचाया होता, दिशा तो उसे मार ही डालती। इसकी क्या गारंटी है कि दोबारा वो हमें मारने की कोशिश नहीं करेगी? आज दिशा ने दिखा दिया कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। यही चिंता मुझे सता रही है कि दिशा की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। उसकी शक्ति का असर कम या खत्म नहीं किया जा सकता। जबकि हमें यह पता चले क्या चाहती है वो, क्यों उसने नुपुर और कबीर की जान ली है। Come on. अक्षय, टली, अक्षय, मैंने किताब पढ़ी। क्या हुआ टली, बता तो सही क्या हुआ? इसमें दिशा की कहानी है। What? हाँ, मुझे शक था कि दिशा का और इस किताब का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। मेरा शक सही निकला अक्षय, नुपुर और कबीर ने ये किताब पढ़ ली, इसलिए दिशा ने उन्हें मार डाला यार। लेकिन बुक पढ़ने से दिशा किसी को क्यों मारेगी? अरे यार, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि कोई ये जान जाए कि वो मर चुकी है। She's a spirit. नुपुर और कबीर को उसकी असलियत पता चल गई थी यार। मगर वो ऐसा क्यों कर रही है? यही पता लगाने मुझे कृष्णा कॉटेज जाना होगा। कृष्णा कॉटेज? हाँ, कृष्णा कॉटेज, वही बंगला, वही हॉन्टेड हाउस जहां हम मानव की सगाई की रात रुके थे। दिशा की हमसे मुलाकात पहली बार उसी दिन हुई थी। अब ये जानने के लिए कि दिशा का हमारी जिंदगी में आने का मकसद क्या है, मुझे कृष्णा कॉटेज जाना होगा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गया क्या तू? मैं तुझे वहां नहीं जाने दूंगा। मुझे जाना होगा अक्षय, मेरी वजह से हमारे दो दोस्तों की मौत हुई है। लेकिन टल्ली, तुझे क्या पता था? इसमें तेरी क्या गलती है? अरे गलती मेरी है यार। तू नहीं जाएगा अक्षय। इस किताब की कहानी मुझसे शुरू हुई थी, खत्म भी मैं ही करूंगा।
टले अक्षय अक्षय टली 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 तू ठीक है ना अक्षय थैंक गॉड तू आ गया यार मैंने तुझे कहा था ना इस कृष्णा कॉटेज में हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा ये देख अब समझा यार इसी वजह से तो दिशा हमारे पीछे पड़ी है समझ में नहीं आ रहा क्या करें टली तू घबरा मत हम ये ले जाकर सुनीता जी को दिखाएंगे अरे लेकिन सुनीता जी को दिखाकर क्या फायदा यार टली घबरा मत अच्छा मत टली मैं हूं ना तेरे साथ टली मेरी बात सुन इसे कितना समझाया लेकिन इसे पता था यहां इसकी जान को खतरा है फिर भी ये यहां आया कह रहा था 22 साल पहले दिशा यहां रहती थी यही से उसकी असलियत का पता चलेगा पता चल गई उसकी असलियत दिशा 22 साल पहले यहां रहती थी ये बात तली को कैसे पता चली किताब से कहीं अनकहीं बातें ना इसने ये किताब पढ़ी होती और ना ये कहीं अनकहीं बातें ये तो प्रोफेसर दास की कहानी है हमें प्रोफेसर दास के घर जाना ही होगा दिशा तुम्हारा मासूम चेहरा आज भी मेरे दिलो दिमाग में उतना ही ताजा है जितना कि तुम्हारी जिंदगी से जुड़ी हर बुरी याद सोचा था यह हादसा आखिरी होगा मगर नहीं प्रोफेसर ओह माय गॉड लवर्स पॉइंट कहाँ है शिमला से 15 किलोमीटर दूर
किस्मत है छोकरे की। सही आ रहा है, सही आ रहा है। क्या बोला? क्या कर लेगा तू, क्या कर लेगा? मार डालूंगा तुम लोगों को, समझा? पागल हो गए क्या? अमर, अमर सुनो तो, अमर, अमर। क्या बात है? मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है। मुझे भी जरूरी काम है। I have to return the book, please. The library will close. 2 minutes, I'll be back. फिर से इंतजार। लगता है मेरी दिल की बात कहने के लिए जिंदगी भर मुझे तुम्हारा इंतजार ही करना पड़ेगा। हाय दिशा। हाय सिद। आज रोज डे है, तुम मेरी पार्टनर बनोगी? सिद, हम सिर्फ दोस्त हैं और मुझे मेरा पार्टनर मिल गया है। ये क्या है? हमारे प्यार की निशानी। तुम इस रिश्ते को गलत समझ रही हो। हमारा रिश्ता कुछ और ही बन चुका है अमर। We both love each other. देखो दिशा, दोस्ती से बढ़के और प्यार से कम भी एक रिश्ता होता है, जो मेरा और तुम्हारा रिश्ता है। दिशा, दिशा प्लीज। I'm sorry. दिशा तुम? कैसा हुआ ये सब? ये विशाल है, तुमने देखा है? विशाल और उसके दोस्तों का खून हो गया है। ये तीनों लड़के हमारे हॉस्टल में रहते थे। कहाँ जा रहे हो? नीचे। पागल हो गए हो? तुम नीचे जाओगे तो पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मुझे नहीं छोड़ेगी? क्यों? क्योंकि पुलिस को शक हो गया कि खून तुमने किए हैं। खून? नहीं। हमें यहाँ से भागना होगा अमर। भागना होगा? खून मैंने किया है। तुम्हारी लड़ाई हुई उन लोगों के साथ, तुमने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी, सबने सुना है। हाँ लेकिन वो सब मैंने गुस्से में कहा था। I didn't mean anything. पुलिस तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करेगी अमर। वो किसी भी तुम घबराओ मत अमर, हम दोनों कहीं दूर चले जाएंगे। मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी अमर। दिशा, stop the car. मुझे वापस जाना है। मैं कह रहा हूँ, let's go back. देखो, stop the car. I'm telling you. देखो, नहीं अमर। इसका मतलब विशाल और उसके दोस्तों को तुमने मारा? नहीं मार, वो मैं। जवाब दो, क्यों मारा? मुझे पाने के लिए तुमने उनका खून किया। तुम जानती थी कि इनका शक मुझ पे आएगा, और जब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा तो तुम मुझे तुम्हारा साथ देना पड़ेगा, तुम्हारे साथ चलना पड़ेगा। मैं तुमसे प्यार करती। नेवर, तुम मुझे कभी नहीं पा सकोगी। तुम गाड़ी रोको, स्टॉप द कार, रोको गाड़ी। मैं बोला हूँ, गाड़ी रोको। मैं कह रहा हूँ, गाड़ी रोको।
मुझे एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही है। अगर दिशा मुझे पाना चाहती थी तो फिर इतने साल इंतजार क्यों किया? मेरे हिसाब से पिछले जन्म में जिस उम्र में उसने अमर को खोया था, अब दोबारा उसी उम्र में वो मानव को पाना चाहती है। उसने वो किताब स्टोररूम से लाइब्रेरी तक पहुंचाई, लेकिन तुमसे पहले कबीर और नूपुर ने उसे पढ़ ली और उन बेचारों को बेवक्त की मौत मरना पड़ा, क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि तुम्हारा और उसका रिश्ता कोई और जान सके। इतना ही नहीं, उसने तुम्हारे शरीर को एक बर्फ के पहाड़ में रख दिया और इतने सालों तक उसको संभाल के रखा है ताकि जब तुम इसे देखो तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। मुझे पाने के लिए ये सब क्यों? मुझे उसने पहले क्यों नहीं मार दिया? क्योंकि सिर्फ मारना ही दिशा का मकसद नहीं है। अगर तुम अपने आप को मारकर दिशा को अपने हाथों से सौंप दो तो तुम्हारा मरना कोई मायने नहीं रखता। ये कुदरत का नियम है। मतलब मानव को दिशा के साथ जाकर उसी जगह मरना होगा जहां पिछले जन्म में अमर की मौत हुई थी, फिर जाके उसे मरकर अपने आप को दिशा को सौंपना होगा। उसे हम किसी तरह रोक नहीं सकते? रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब अगर तुम्हारी और मानव की कुंडली जुड़ जाएगी, तब दिशा कुछ नहीं कर सकेगी। आप कहना क्या चाहती हो? पिछले जन्म के कर्म दिशा इस जन्म में पूरा करना चाहती है। तुम दोनों की शादी हो जाएगी। तुम्हारे कर्म और कुंडली के हिसाब से तुम सिर्फ शांति की हो जाओगे। नहीं, मैं शांति की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। शांति ही क्यों? हम सब की जिंदगी खतरे में है। तुम्हें पाए बगैर उसे चैन नहीं मिलेगा। इस उपाय में खतरा तो हो सकता है, लेकिन बचने के लिए और कोई रास्ता तो नहीं है ना? मानव, आज तक किस्मत हमें आजमाती आई है। आज पहली और आखिरी बार हमारे प्यार के खातिर हम किस्मत को आजमा कर देख लेते हैं। अगर तुम्हारे साथ मेरा जिंदगी भर का रिश्ता जुड़ जाए तो फिर जिंदगी छोटी हो या बड़ी उसे क्या फर्क पड़ता है? फिर तुम भी एक बात समझ लो कि अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, जिंदगी या फिर मौत। ओम अग्नि देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम पृथ्वी देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम इंद्र देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम वरुण देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम दिग्विजय देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम हिम प्रेम क्लेम कनि कनि जब तक इन दोनों की शादी पूरी ना हो जाए, मानव और शांति सर्कल से बाहर नहीं निकलने चाहिए। रोक दो ये शादी,
रोक दो ये शादी। मानव ये क्या कह रही है, हमारी शादी? मुझे लगता है हमें फिर से दिशा, ये हमारी शादी नहीं होने देगी। मैं नहीं शादी। आखिर तुम चाहती क्या हो, मैं मानव से शादी करके रहूं? मानव रुक जाओ, मानव शादी सुनो, रुक जाओ। डोंट यू डेट अच्छा शांति। शादी करना चाहते हो ना तुम, मार डालूंगी। ऋषभ मार डालूंगी। तुम यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मेरी शांति को छोड़ दो, छोड़ दो मेरी शांति को। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। शानू, तुमने अपना इम्तिहान दे दिया अपने प्यार के लिए, अब मेरी बारी है, मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। दिशा, 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 कहाँ हो तुम? लो मैं आ गया मैं। अमर, इस एक पल के लिए मैंने बरसों इंतजार किया है, आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरे एक सवाल का जवाब दोगी, तुम्हें क्या चाहिए? मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरा दिल, क्या? सब कुछ, मुझे सब कुछ चाहिए। अपना शरीर, अपनी आत्मा, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, लेकिन रिश्ता तो उसी से जुड़ा रहेगा जिसे मैंने अपना दिल दिया है, प्यार किया है, शांति। और आज मैं उसी के लिए खुद को खोने आया हूं। खोया? खोया तो मैंने भी है तुम्हें एक बार अपनी जिंदगी देकर, अब दोबारा नहीं खो सकती। कितना वक्त काटा है मैंने जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारे बिना ना मैं जी सकी ना मर सकी। जिसका बेसब्री से इंतजार हो वो तुम्हारे पास आ जाए,
तो उसे पाने के सिवा और कुछ नहीं सोचता। मगर आज आज मुझे वो सब कुछ मिल जाएगा जो मैं चाहती हूँ। सिवाय मेरी चाहत के मैं तुम्हें अपनी जिंदगी तो नहीं दे सकता, मगर मौत, मेरी मौत तुम्हारे लिए, सिर्फ मेरी मौत। देख लो अमर, हवाओं का रुख आज मेरे साथ है, ये फिजाएं भी मेरे साथ है, ये वादियां मेरे साथ है, कुदरत भी यही चाहती है कि तुम्हारा साथ मेरा हो जाए। तुम अब तक नहीं समझी प्यार क्या होता है, खोकर पाना क्या होता है। आज कुदरत तुम्हारा नहीं मेरा और शांति का साथ दे रही है। किस आशिक को ये मौत नसीब होती है कि जिसे प्यार करो उसी के लिए मरो। दिशा, तुम्हारा प्यार कभी अमर नहीं हो सका, लेकिन आज मेरा प्यार, मेरा प्यार हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। दिशा देख लो, आज ये हवाओं का रुख, ये वादियां, ये फिजाएं मेरे साथ हैं। आज मेरा प्यार हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तुम हार गई, अब कैसा लग रहा है बेटे? मैं यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ कोई लड़की छोड़कर चली गई बेटा, नाम पता तो उसने कुछ बताया नहीं, न जाने कौन थी वो, लेकिन तुम्हारे लिए ये देकर गई है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूं। हाँ माना, तुम हैरान होगे कि यह जिंदगी तुम्हें वापस कैसे मिल गई। अपनी जिंदगी को मेरी हार मत समझना, मैं हारी नहीं हूं ना हारूंगी। मैं तुम्हारे प्यार को अमर कैसे होने देती जबकि मेरा प्यार अमर है। तुमसे मिलकर मैं अपने प्यार को पा तो नहीं सकी, मगर प्यार को समझ जरूर गई। तुम्हारी खुशी शांति में है और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में। शायद यही प्यार है, लेना नहीं बल्कि देना। और ये मैंने तब जाना जब मैंने देखा कि तुम अपने प्यार के लिए अपनी जिंदगी तक कुर्बान करने को तैयार थे। आज पहली बार मैं तुम्हारे साथ हूँ, उस साये की तरह नहीं जो हर वक्त हर कदम पर अंधेरा छोड़ देता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूँ उस धूप की तरह जिसकी रोशनी हर राह में तुम्हारा साथ देगी। फिर तुम चाहे किसी भी दिशा में जाओ, जब सूरज की कोई किरण तुम्हारे चेहरे को छुएगी तो मैं एक नई सुबह की तरह
मुस्कान बनकर तुम्हारे चेहरे पर रहूंगी हमेशा। फादो, मुझसे किसी का खून हुआ है, लेकिन मैंने वो जानबूझकर नहीं किया था। वो एक एक्सीडेंट था, एक भयानक हादसा। फादर, मुझे लगता है कि वो शायद जिंदा है और मुझे जान से मारना चाहता है। घबराओ नहीं तानिया। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? क्योंकि मैं जिंदा हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, लोग सपने देखते हैं, लेकिन मैंने तो सपने में सपना देखा। May I have your attention, please? Announcing the departure of British Airways flight VA437 from London to New Delhi. Passengers are requested to board the aircraft. Thank you. तुम भी इंडिया जा रही हो? हाँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। ओह, पता नहीं ये 8 घंटे कैसे कटेंगे। गोइंग फॉर अ बिजनेस ट्रिप? किसी से मिलने जा रही हूँ, समवन स्पेशल। पता नहीं इस वक्त वो कहाँ होगा, कैसा होगा। इतना चाहती थी तो फिर लंदन क्यों चली आई? कुछ ऐसा हुआ था कि ऐसी की गल होगी सी यार। कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हम बिछड़ गए, पर अब समझ गई हूं कि अगर जिंदगी जीना चाहो तो उसे भागना नहीं चाहिए। बस जिंदगी जीने वापस जा रही हूं मैं। ओ कितने? शिमला? नहीं, दिल्ली। अच्छा, अब तो हम दिल्ली शिफ्ट हो गए। बट आई टेल यू, शिमला के क्या दिन थे, ग्रेट डेज। Thank you.
अपनी बीबी को मारा क्यों? और सिंपल मैडम, मेंटल पागल हो गया था और क्या? उनकी बीवी गायब कैसे हो सकती है? हो सकता है कि मायके गई हो या फिर छोड़ के चली गई हो। अरे वो अपनी बीवी को नहीं मारता ना तो उसकी बीवी उसे मार देती। खैर अपनी बीवी को मारा तो क्या हुआ यार? क्या क्या हुआ? इट्स अ क्राइम यश। अरे लेकिन तान्या ये बात साबित कहूँ, ये अफवाह भी तो हो सकती है। हाँ यार थोड़ा सनकी है। याद है एक बार विकी बास्केटबॉल खेल रहा था और वो बॉल गलती से जाकर प्रोफेसर बख्शी को लगी थी। सॉरी सर। सनकी नहीं है वो, पागल है। इज मैड। देखिए प्रोफेसर बख्शी, परमानेंट जॉब का प्रॉमिस तो मैं नहीं दे सकता, आप ज्वाइन कर लीजिए, आगे देख लेंगे। यू कैन गो नाउ। और हां आइंदा आपकी कंप्लेंट आई तो आई विल थ्रो यू आउट। सर, मैं विशाल जोशी। आप मुझे नोट्स देने वाले थे सर। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी। आर यू क्रेजी? आई डोंट केयर फॉर तान्या। टाइम कहाँ है? टाइम कहाँ है? अच्छा, यू डोंट केयर फॉर तान्या क्योंकि यश और तान्या का क्या क्या दोनों क्या? अबे कुछ भी हो यार, तेरी क्यों मैसूर हो रही है? अरे ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार, टाइम पास। वैसे दोनों में है क्या? रोज दोनों तीन तीन घंटे डांस रिहर्सल में राजकोट का पठानकोट करते, कुछ न कुछ तो चक्कर होगा ना। अबे घन चक्कर, साथ रहने से चक्कर थोड़ी ना होता है। हाय, चांद तो रात में निकलता है, फिर आज दिन में कैसे निकल आया? उल्लू तो रात में बोलता है, फिर आज दिन में कैसे बोल गया? जितना हंसना है हंस लो, प्रॉम नाइट तक की बात, देखना मेरी बाहों में होगी। यस कम ऑन, जल्दी जल्दी। यस, वन टू थ्री फोर। बॉयज, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कल ओपन यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट का फाइनल मैच है और हर साल की तरह इस साल भी हमको यह मैच जीतना है क्योंकि हमारे कॉलेज की और पर्सनली मेरी इज्जत का सवाल है। ओके? यस सर। गुड। यस। भला सर ठीक ही कह रहे हैं, हीरो वही होता है जो अपनों को जिताए। हमारी कॉलेज जीतनी चाहिए। ओके? ऑफ कोर्स। तान्या को इंप्रेस करने का गोल्डन चांस हाथ से गया। मतलब मैं बास्केटबॉल टीम में नहीं हूँ ना? एक करण, तू टेंशन मत ले यार, आवाज कर, तू बोल, तेरे को बास्केटबॉल टीम का कैप्टन बनाते हैं हम लोग। देख। अरे फिर तो हमारे कॉलेज की टीम जरूर हारेगी यार। एक करोल बाग, प्यार में बहुत ताकत होती है। अरे करण बास्केटबॉल तो क्या क्रिकेट वर्ल्ड कप भी जीत सकता है। अरे यार पर कैसे? डैडी आपकी लास्ट विश क्या है? बेटा मेरी लास्ट विश है, और क्या मतलब है तेरा? अरे आपका क्या भरोसा, आपको कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने सोचा मैं रोज रात को आपकी लास्ट विश पूछूंगी। अरे मेरा स्वीट पुत्र। बेटा मेरी लास्ट विश है कि मेरी लास्ट विश है कि मेरी लास्ट विश है कि लेट्स गो फास्ट यार। अरे डॉली नींद की 10 गोलियां क्यों डाली? अरे तुम मेरे बाप को नहीं जानते, एक दो गोली से कुछ नहीं होता, जाओ तो उठाओ। चलो हाँ, चलो चलो रस्सी निकालो, चलो चलो। तुम क्या देख रहे हो, तुम भी उठाओ। अरे यार ये करो, अरे यहाँ टाइटली बांधा इनको। तेरा बाप तो बहुत भारी है रे। तुम भी लास्ट मिनट बताते हो ना डार्लिंग, ये तो एक हफ्ते तक डाइट कराती है। दादी को किडनैप कर रहे हैं, रैंसम। कोई मांगे भी तो कौन देगा? इट्स डैडीज़ डे आउट। अरे अरे लेफ्ट से, अरे राइट से। ओ डैम, तुमको पता है डैडी को बांधते बांधते मेरा नेल चिप हो गया। डैडी तो वापस आ जाएंगे, मेरा नेल कब आएगा? हाँ बेबी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हाँ we got to win a game.
I don't know, ma'am. Oh God! Team announce कौन करेगा? हाँ डालें कितने? Dolly, where is your father? Hold on a second. वो नहीं आ रहे. उन्होंने आपके लिए letter भेजा है. Hello? हाँ क्या बोला? उसे love letter भेजने की हिम्मत कैसी हुई? एक से नहीं second. ये love letter नहीं है. ये team के final नाम है. Hello? हाँ क्या? Oh God! हाँ? And the final team of our college is Rahul Singh, Wilson Fernandez, and the captain of the team is Karan. I don't know. Ask Professor Bhalla. A chawal ya bhai. Oh, teri. अरे करण, ए सो गया क्या? अरे खाना बनाए बहुत अच्छा, पराठे बनाए तेरे लिए। चल 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 उठ, चल खाना खाते हैं और उसके बाद अब देख, अगर तू नहीं उठाना तो मैं गाना गाऊंगा। हम होंगे कामयाब, हम होंगे प्लीज। अरे कमाल है बेटा, एक मैच ही तो आ रहा है और इतना अपसेट हो गया है। डैड, सब मेरी वजह से हार गए, सब मुझ पर हंस रहे थे। आई एम अ लूजर डैड। देखो गलती इंसान से ही होती है, अगर इंसान गलती नहीं करे तो भगवान नहीं बन जाएगा। हाँ अरे तू तो मेरा शेर है करण, चल उठ खाना खा लेते हैं। चल ठीक है, ये ले रुमाल, जी भर के रोना, मैं लाइट ऑफ कर देता हूं। शाबाश बेटा। डैड भूख लगी है। ये हुई ना बात, चल आजा आजा जल्दी। What? Stupid. ताने तुझे अच्छी लगती है ना? अरे नहीं यार। सुनना। अरे प्यार किया तो डरना क्या? देख अगर तुझे ताने अच्छी लगती है तो मैं उसे करीब लाने में
तेरी मदद कर सकता हूँ। या शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, मैं तान्या को तेरे करीब ला सकता हूँ। लेकिन लेकिन क्या? तुझे भी मेरा प्यार पाने के लिए मेरी मदद करनी पड़ेगी। अरे यार, मैं तेरी क्या मदद कर सकता हूँ? इस मामले में तो तू हम सबका बाप है, किसी भी लड़की को चुटकियों में पटा लेता है। पटा लेता था यार, लेकिन अब मैं बदल गया हूँ। आई एम अ चेंज्ड गाय, सुधर गया हूँ। जब से नताशा से प्यार हुआ है। नताशा? हाँ यार, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, दिन का चैन चला गया है। यू लाइक नताशा? या आर यू सीरियस? ऑफ कोर्स यार, अब मैंने सब कुछ छोड़ दिया यार। अपने पापा को धोने के लिए वैष्णो देवी होकर आया, ये तक टीका भी लगवाया, और हाँ माँ का प्रसाद भी लाया। ले 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 यार, माँ तेरी भी मदद करेगी। कुछ कर यार, करण अब रहा नहीं जाता, प्लीज कुछ कर मेरे लिए। यस, आज शाम की रिहर्सल कैंसिल, कल करेंगे। ओके बाय। तो फिर क्या सोचा तूने? हाँ ठीक है, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ, बट नताशा इज नॉट योर टाइप, इवन तान्या इज नॉट योर टाइप। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो बहुत शरीफ और डीसेंट लड़की है, तू उसे छोड़ेगा तो नहीं ना? तू तान्या को तो नहीं छोड़ेगा ना? अरे नहीं नहीं, मैं तेरी बात कर लूंगा। डील, तो फिर प्रॉम नाइट तक तान्या तेरी होगी। अरे चल मिलाने हाथ यार, मेरी जान। सर, 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 हेलो, है? नहीं, मैं सर के घर नोट्स लेने आया हूं। पता है प्रॉम नाइट है, मैं आ जाऊंगा। बाय। सर, 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 वो आप नोट्स देने वाले थे ना, तो वो नोट्स, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने कुछ नहीं देखा। ताशु, हेलो ताशु, ताशु, ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? अ गिफ्ट फ्रॉम समवन हू लव्स यू। पर कुछ नहीं, कोई भले ही तुम्हें अपने मुंह से अपने दिल की बात ना कह सकता हो, पर ऐसे गिफ्ट देके तो कह सकता है। प्लीज ये गिफ्ट ठुकराना मत। टुनाइट प्रॉम नाइट, आज करण मेरे साथ होगा। टुनाइट प्रॉम नाइट, आज तान्या मेरे साथ होगी। मिट जाए चलना, बोलो सुबह। ए विशाल, चलना नहीं है। तू डर गया।
अंदर गया। तू डर क्यों गया? बोला बोल। हाँ लड़की का चक्कर एक का है, बोल बोल का है, बता ना लड़की का है, बोल। अरे अच्छा वो सब छोड़, सुन हम लोग आगे निकलते हैं, क्योंकि अगर मेरी डॉली का दिल किसी पे डोल गया ना तो मेरी जिंदगी दर भंगा हो जाएगी, समझा? तू फटाफट तैयार होके आजा, चल। ए बैठ, रुकना। क्या हुआ बोल? वो मैं नोट्स लेने कमरे में। अबे नोट्स नोट्स क्या कर रहा है, चलना अभी। ए बैठ, प्रॉम के टाइम पड़ेगा। As if you're straight out of the 1970s. Rashtriya Bhasha mein bolo. College ki tradition ke mutabik, aaj prom night bahut zabardast dhamaka hoga. Yeah! Is saal ki prom queen Miss Tanya Oberoi. Tanya aayegi. Haath chodo Karan, dard hota hai. Aur prom king Mr. Yash Tong. Whoa! डांस आइटम पेश करेंगे। I'm sorry guys, मैं बाइक से गिर गया। लेकिन ज्यादा डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मेरी जगह परफॉर्म करण करेगा। कम ऑन करण, कम ऑन द स्टेज।
अबे तू स्टेज पे कम ऑन करेगा और परफॉर्म करेगा तो ऐसा लगेगा जैसे जैसे कबड्डी की वर्ल्ड कप हो रही है। अबे पागल हो गया तू? नहीं नहीं नहीं, चुप चुप चुप, एकदम चुप। अरे छोड़ दो, अरे उसी से नचवाओ यार, हाथ टूटा है पैर नहीं, छोड़ छोड़ छोड़। अबे यार तुम लोग भी ना, शो मस्ट गो ऑन, मरेगा साला। सोचा तो कुछ और था लेकिन ये साला तो हीरो बन गया। करण, कम ऑन, करण इज द स्पिरिट, लेट्स गो गाइस। करण, हाय करण, देखा हीरो बना दिया ना? वो देख, तेरी हीरोइन तुझे देख रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, मत कर, जा उसके पास जा। और सुन, मेरा काम किया ना तूने? हाँ हाँ, ताशु ने जो ड्रेस तूने दिया है वही पहना। ओए मेरी जान, जय माता दी। अरे यार बहुत मुश्किल था, पर पता नहीं कैसे कर लिया मैंने। हाय हाय, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अच्छा डांस कर लेते हो। मुझे भी आज ही पता चला, एक्चुअली तुम्हें देख देख कर ही सीखा मैंने। सच सच हो तो क्या तुम अपनी टीचर को ट्रीट नहीं दोगे? माय प्लेजर, आइसक्रीम? I don't mind. Come on. Yes, mind your own business. Come on, sweetie, आज prom night है. Let's be friends. Hey, बाजूट बाजूट. अगर इतने नखरे दिखाने थे, तो मेरे दिए हुए कपड़े पहन कर आने की ज़रूरत क्या थी? What? ये कपड़े तुम्हारे दिए हुए हैं? Of course. तुम्हें क्या लगा वो कड़ का करण लेकर आया? वैसे करण, करण कहाँ है? वो वहाँ बैठा हुआ है। मैं लेकर चलता हूँ ना। यस, ये यस सर, सोडा, ओनली सोडा, या सोडा के साथ आप कुछ और फ्लेवर भी प्रिफर करेंगे? और कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? सर हमारे पास है रास्पबेरी, स्ट्रॉबेरी एंड ब्लूबेरी। बोलो ना तानिया, कौन सी बेरी अच्छी लगती है? स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी? सोडा विद स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये जो बोली वो दो ले आना। ओके सर। क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं, शायद डैड ने याद किया। योर ऑर्डर सर। ये क्या है? बिल, ओनली 700 रुपीस सर। ओनली? अरे ये क्या कर रही हो, क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हो? यस सर। अच्छा, आजकल इंडिया में बहुत तरक्की हो गई है ना। कौन सा क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हो? एनी सर। आपके पास तो तीन तीन है। यही थे, पता नहीं। डोंट वरी, आज मैं दे देती हूँ। वैसे भी तुमने आज बहुत अच्छा डांस किया है। लेट मी गिव यू अ ट्रीट। अब तुम कह रही हो तो, बट नेक्स्ट टाइम इट्स माय टर्न। हाँ ओके। छोड़ उसे, क्या कर रही है तू इसके साथ? व्हाट डू यू मीन क्या कर रही हूँ? ही इज माय फ्रेंड, यू नो डैडी, आई लव हिम। लव हिम? और तेरे को लव का मतलब भी पता है? हाँ, जो राजा हिंदुस्तानी में बारिश में करिश्मा और आमिर ने किया था ना, वो। ओए, तू भी सच्चा प्यार करता है इससे? हाँ। ओए तो तुम शादी क्यों नहीं कर लेते यार? अब तो हमारे प्यार के बारे में सारी दुनिया जान गई है, अब हमसे शादी कौन करेगा? करण? करण आता ही होगा। कॉफी? सिट। नताशा, मैं आज तुम्हें अपने जीवन की ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाऊंगा कि उसे सुनकर तुम्हारा हाथ, बचपन में जब छोटा था ना तो एक दिन माँ की गोद में सो रहा था। Stop it! और अचानक मेरी नींद खुली और मैं रोने लगा और मेरी माँ ने मुझे अपनी आंखों से। Stop it! तुम भी मेरी दर्द भरी कहानी सुनोगी ना, तुम्हारी आंखें भी भर आएंगी। बचपन में मैं जब छोटा सा था ना तो क्या, हम बहुत गरीब थे और मेरे पापा बियर बार में डांस किया करते थे, यू नो, बियर बार? पापा बियर बार में? हाँ, वहाँ पर सिर्फ औरतें ही पीने आती थी ना। शाबाश। वहाँ रह रहकर उन्हें पीने की आदत पड़ गई और पी पी कर उनकी आंखें सूज जाती थी, सिगरेट पी पी कर उनके होंठ काले पड़ गए। अरे अरे नताशा सुनो ना, नताशा मेरी बात। अरे नताशा, इतनी जल्दी भी क्या है,
पहले मेरी बचपन की अपने बचपन की कहानी अपने बच्चों को सुनाना। Come on, baby, I'll drop you. अरे इसे क्या हुआ? हमारे कॉलेज में होना बड़े शर्म की बात है। पढ़ाई जरूरी है पर उसका इतना प्रेशर भी नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स उसके डर के मारे सुसाइड कर लें। सो आप सब फ्यूचर में इस बात का ध्यान रखें। आप लोग जा सकते हैं। यस, आपको कुछ कहना है? इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए था एग्जाम्स के लिए। ओ ये ज्यादा से ज्यादा एक साल फेल हो जाता यार। तू सही कह रहा है यार। वो थोड़े दिन और रुकता तो तुझसे कुछ तो सीखता। लगता लड़की पटाने का अपना पुराना स्टाइल ही बेस्ट था। वही आजमाना पड़ेगा। लो वो आ गई। हाय नताशा, मेरे दोस्त के फार्म हाउस पे पार्टी, चलोगी? We'll have fun. मेरा रास्ता छोड़ो। हाँ, बचपन की गाने नहीं सुनाऊंगा। मेरे पास सेक्सी सेक्सी और चक्के अपनी माँ को सुनाना। माँ नहीं है ना, तभी तो नॉटी बॉय बन गए। Stop it. नहीं, एक बारी पार्टी में चल के तो देखो, मजा आ जाएगा। बिलीव मी। यश, हाथ छोड़। करण, सुना, तू ही चाहता था ना मैं इसके गरीबा, वही कर रहा हूँ। बेबी, मैंने कहा ना हाथ छोड़। तीन हुई थी ना कि मैं ताने के तेरे करीब आऊंगा, तू नताशा से मेरी सेटिंग करवाएगा। मजाक करता है। Your friend is a bloody pimp. Guys, समझ नहीं अपने आप को, बहुत चर्बी चढ़ गई है तेरे को। चाचा क्या तू? छुड़ा मत, छुड़ा मत, मैं देखता हूँ, छुड़ा मत। साले तब के लिए। ताशु, करण, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। यश ने मुझे कहा, मुझे लगा कि वो बदल गया है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मैं प्यार के लिए दोस्ती को? ताशु, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचा सकता। क्या हुआ करण? चलो घर चलते। आओ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अरे मतलब तुमने दवाई लगाई ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। अंकल वो मैं करण, ओ करण, देखो तुमसे मिलने कौन आया। आओ आओ। I'm sorry करण यार, असल मेरे दोस्तों ने मुझे भड़का दिया था यार, इसीलिए मुझसे बदतमीजी हो गई। साईं बाबा की कसम, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आई स्वेयर। नताशा, तुम मुझे माफ करोगी ना? और करण, थैंक यू सो मच,
अगर तुमने मुझे प्रिंसिपल से नहीं बचाया होता तो मैं एग्जाम कभी नहीं दे पाता। That's the spirit. चलो इस बात पर तुम दोनों हाथ मिलाओ। और यश, तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हें जिंदगी भर करण का पक्का दोस्त बनकर रहना होगा। इट्स अ डील। थैंक यू सो मच करण एंड नताशा, सॉरी वंस अगेन। इट्स ओके। ओके अंकल, थैंक यू। ओके ओके, बाय बाय बाय, गुड बॉय। करण, मैं चलती हूँ। कॉफी पीने चले? दिल मेरा पूछ रहा है तुझसे, क्या प्यार करोगे मुझसे, मुझसे यश। हाँ, इस बार पढ़ाई की है ना? अरे इस बार देखना, क्लास में तो क्या पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आऊंगा डिस्टिंक्शन के साथ। फर्स्ट विद डिस्टिंक्शन। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी तानिया। लीव द क्लास। सर, सर बीच में मत बोलो, सुना नहीं अभी तक तुमने? तानिया, वारंट टू टेल। स्टॉप इट करण। सर, दिस इज अ क्लासरूम, टेक योर सीट एंड ऑन विद योर पेपर। तानिया, 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 व्हाट इज दिस? लुक एट मी, ये तुमने क्या किया? तुमने तो आधा पेपर भी नहीं लिखा था। यू नो तुम फेल हो जाओगी। आई नो। हाउ कुड यू डू दिस? तुमने पूरे साल पढ़ाई इसलिए की कि तुम्हें स्कोर करना था, कॉलेज में टॉप आना था। तुमने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारा पूरा साल बिगड़ जाएगा। साल तो तुम्हारा भी बिगड़ जाता। गलती मेरी थी और तुमने अपने सर पे क्यों ले लिया? व्हाई डिड यू डू दिस? व्हाई? Because I love you. Oh, Tanya, मैं तुम्हारा साल बिगड़ने नहीं दूंगा। I'll do something. आज रात तानिया की आंसर शीट बदलनी पड़ेगी। यानी 1, 2 का 40? ये भोजपुर हो जाएगा, पकड़े गए तो। नहीं, फाइनल एग्जाम्स के पेपर तो चेक होने दूसरे कॉलेज में जाते हैं, कुछ पता नहीं चलेगा। इससे पहले कि आंसर शीट का बंडल जाए, आज रात प्रोफेसर बख्शी के घर जाकर तानिया की आंसर शीट बदलनी ही पड़ेगी। लेकिन प्रोफेसर बख्शी के घर जाना कितना रिस्की है,
पता है ना? पता है, लेकिन मैंने सोच लिया। करण, मुझे नहीं लगता तुम्हें ऐसा करना चाहिए। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो। डोंट स्टॉप मी ताशु, तान्या के करियर का सवाल है, मैं उसका साल बिगाड़ने नहीं दूंगा। अगर तुम्हें नहीं आना तो मत आओ। I will go myself, मैं खुद ही जाऊंगा। ओ मेरे तानवीर करण, हम भी तेरे साथ चलते हैं मेरे बाप। ऑफ कोर्स यार, हम एक साथ मरेंगे और एक साथ ही मरेंगे। ओह यस। हेलो हेलो तान्या, करण तुम्हारे पेपर रिप्लेस करने प्रोफेसर बख्शी के यहाँ गया है। क्या? अरे इधर 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 दिया, तुम आ जाओ। ताशु तो उधर देख, खुश तू उस तरफ जा। चल उतर देख। मारो मुझे। प्लीज गो ऑन, पुल द ट्रिगर। सर सॉरी सर, अब बात कर। मेरे लिए सर मारो ना। अरे यार ये कहाँ गए, यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है। यार मैंने मना किया था ना, लेकिन जोर क्या है? चलो उस तरफ, चल 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 चल, जल्दी जल्दी तुम लोगों ने लाश को देख लिया ना, देख लिया ना, बस खत्म। अब वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा यार। करण, ये तुम्हारी हाथ में क्या है? ओह नो! अरे क्या यार, चलो को यार। चलो यार, क्यों बेकार पकड़े फंसे, चलो यार। क्या बोल रहा है, पहले देखते क्या हुआ।
I think he's dead. What? Karan, मेरे प्रोफेसर को मार डाला। मेरे प्रोफेसर को मार दिया। No, Tanya. मेरे प्रोफेसर को मार दिया। It was an accident. चलो पुलिस को खबर कर देते हैं। आप पागल हो गए क्या? पुलिस के पंगे में फंसेगा तो बहुत बड़ा केस बनेगा। अरे हम तो मरेंगे लेकिन ताने को तो और बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। पूरे कॉलेज में पता चल चुका है कि ताने को एग्जामिनेशन हॉल से निकाला और ऊपर से बख्शी गई नकली आंसर शीट भी तो छोड़ा है। ताने रिलैक्स। करण, देखो मैं तो कहता हूँ चुपचाप निकल लेते हैं। क्या बात कर रहा यार? पैसे देख तो ले। नहीं, लेट गो, लेट गो, प्लीज लेट गो। करण, करण, अरे मेरी बात तो सुनो, चाहे जिंदा हो। Oh God. Any problem? No, no, sir. No problem. तो क्या बीच रास्ते में भांगड़ा करने आए क्या आप लोग? अरे हम कुछ भी करें तुम होते कौन है पूछने वाले? मैं कौन? मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर नहीं हूं तो क्या हुआ? मैं आप लोगों से पूछ नहीं सकता हूं कि आप क्या कर रहे हैं? एक इंसान का फर्ज बनता है कि कोई तकलीफ में हो उसके काम आ जाए। एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं नहीं, वो लगी थी तो घर में टॉयलेट नहीं है? है लेकिन अभी लगी तो खुली हवा में जाने का मजा ही कुछ और है। मेरे को भी जब सुसु आता है ना तो ऐसे ही निकल पड़ता हूँ। Have fun man, enjoy yourself, come on, take care. अगर मैं भी सुसु के लिए जाऊँ तो आपको कोई इतराज तो नहीं है? आपको बदनाम है कोई? बदनाम है कोई? किसको खबर? कौन है ये? कौन है ये? हम नहीं जानते। अगर तुम नहीं जानते तो क्या मैं बता नहीं सकता हूँ? अरे कोई तो होगा, अपन को क्या है? मगर इंसान इंसान के काम आता है, बेवड़े के नहीं। बेवड़ा भी कैसे हो गया होगा? Anyway, see you, bye. Okay. God. रिलैक्स, यू आर टू गुड तान्या, यू आर टू गुड। कल रात अगर बख्शी को नहीं उड़ाया होता ना तो आज कॉलेज में हम सबकी बैंड बजी होती, कॉलेज से सब रस्टिकेट। अरे लेकिन वो साला प्रोफेसर था ही ऐसा, उसने भी बीवी को मारा लेकिन तान्या ने उससे उड़ा दिया। व्हाट ड्राइविंग मैन, द पैक, व्हाट जस्टिस मैन, व्हाट जस्टिस। करण, पुलिस को बख्शी की बीवी की लाश भी मिल गई है और पुलिस यही समझ रही है कि वो इसी डर से भाग रहा है। शी इज माइंड ब्लोइंग। तान्या, तान्या, तू भी ना यार, ये क्या वक्त ऐसी बात करने का? तान्या, कितने का? 500 का। हाँ हाँ हाँ।
क्रेडिट कार्ड नहीं लेते? नहीं, फोन है क्या? फोन है, फोन। उस तरफ। जा रही हो मुझसे मिले बिना? तुमसे मिलती तो शायद नहीं जा पाती। तो फिर क्यों जा रही हो तानिया? मैं यहाँ नहीं रह सकती। उस रात को जो हुआ वो सब, गॉड सेक तानिया, इट वाज एन एक्सीडेंट, वो एक हादसा था। उसी हादसे ने मेरी जिंदगी बदल दी है करण। आई हैव किल्ड समवन, आई एम गिल्टी। उठते बैठते सोते जागते दिन रात बख्शी का खौफ साए की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता है। तानिया, तानिया, तानिया मेरी बात सुनो, तुम्हें ये सब भूल जाना पड़ेगा। You'll have to forget all this। तभी तो मैं जा रही हूँ। क्या तुम मेरे बगैर खुश रह पाओगी? करण, हमने जो पल साथ बिताए वो मेरे लाइफ के सबसे खूबसूरत पल थे, पर शायद मेरी किस्मत में सिर्फ इतनी ही खुशी लिखी थी। You're my life, तानिया। तुम यूं मेरी जिंदगी लेकर नहीं जा सकती। मैं तो अपनी जिंदगी छोड़कर जा रही हूँ। करण, बहुत मुश्किल है तुम्हें छोड़कर जाना, पर अब जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे उस एक्सीडेंट की याद आती है। तानिया प्लीज, प्लीज तानिया, प्लीज करण, मुझे रोकना मत, वरना मैं जा नहीं पाऊंगी। और रुक गई तो फिर जी नहीं पाऊंगी। प्लीज डोंट गो तानिया, मैं बहुत अकेला हो जाऊंगा। प्लीज डोंट गो। नहीं करण, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दूंगी। Thank you.
आखिर जो होना था वही हुआ, दो खूबसूरत दिलों को मिला ही दिया। मीट माई सन करण एंड माई वुड बी डॉटर इन लॉ नताशा। चीयर। हे करण, क्या सोच रहे हो? करण, तुम ताशु से सचमुच प्यार करते हो ना? उससे शादी करना चाहते हो ना? देखो करण, ताशु की आंटी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी देखभाल करना, उसे सुखी रखना अब मेरी जिम्मेदारी है। तुमसे ज्यादा मुझे उसकी फिक्र है। डोंट वरी डैड, आपने ठीक ही कहा था। जिसे हम चाहते हो वो हमें मिल जाए वैसा हर वक्त नहीं होता। और आपने ये भी कहा था, जिसे तुम चाहते हो उससे नहीं, पर जो तुम्हें चाहता हो उससे शादी करोगे तो खुश रहोगे। डैड, ताशु बहुत अच्छी लड़की है, वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। डोंट वरी डैड, शी इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। करण, डैड आधे घंटे में बताता हूँ ये मॉडल एवरेज क्यों नहीं देती। अरे ओ मास्टरमाइंड, तुम्हारा फोन आया, ये लो। थैंक्स डैड। हेलो, अरे पैट कैसा है तू? कहाँ हो तुम लोग यार, इतने दिनों बाद कैसे याद किया? करण, एक बुरी खबर है यार, अपने कॉलेज की गैंग में वो डॉली थी ना। डॉली? मोबाइल मैडम। क्या क्या हुआ उसे? वो गई यार, उसकी खुश के साथ शादी हो रही है। उफ, यार तूने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ, पर इसके लिए तो तेरे ऑफिस से दो चार बार फोन आ चुके हैं। मेरी ऑफिस से? अरे वो छोड़ ना, पर डॉली का तो तेरे साथ सीन था ना। था, सीन था, अब केरोसीन है। अगले हफ्ते शिमला में शादी है, उसी का इनविटेशन देने फोन कर रहा हूँ तुझे। मेरी ऑफिस से? लेकिन मेरा ऑफिस तो यहाँ है ही नहीं यार। हाय करण, क्या बात है, इतना हंस क्यों रहे हो? ओहो करण, बताओ ना क्या हुआ? वो पैट का फोन था। हाँ। शादी का इनविटेशन देने के लिए। चलो अच्छा हुआ, आखिर उस बेचारे की शादी डॉली के साथ हो ही रही है। स्टूपिड, पूरी बात तो सुनो, डॉली से शादी पैट नहीं खुश कर रहा है। खुश? हाउ कम? कहाँ कर रहे हैं वो लोग शादी? शिमला में। तो करण, हम जा रहे हैं ना शिमला? देखेंगे, जा सके तो जाएंगे, यहाँ इतना काम है कि। करण, मैं शिमला के बारे में पूछ रही हूँ, हम जा रहे हैं ना? यहाँ काम बहुत है। और वो हमारी गलती नहीं थी। ताशु, क्या मुझे नहीं पता कि आज भी तुम कभी कभी उस... मैं काम की बात कर रहा हूँ। करण, प्रोफेसर बख्शी को हमने नहीं मारा था, वो सिर्फ एक हादसा था। उस हादसे के बाद हम एक बार भी शिमला नहीं गए हैं। क्यों करण, सारी जिंदगी हम ऐसे गिल्ट में डर डर कर नहीं जी सकते। लेट्स फेस इट करण, करण लेट्स फेस इट। कमाल है ना, तीन साल बाद छह दोस्त शिमला में फिर से मिल रहे हैं। अरे मेरी जान, कैसे हो तुम? कैसे खुश? डॉली, कांग्रेचुलेशंस, कैसे हो यार? उत्तरी, ओए दिल खुश कर देता यार, वेलकम करण, वेलकम। और यार मुझे तो लगा था तुम लोग आओगे नहीं यार। आएंगे क्यों नहीं? और नहीं नहीं, ये शादी शिमला में है और मुझे तुम्हारा एक राज पता चल गया। क्या? यही कि तुम दिल्ली में इतने बिजी रहते हो कि कई कई दिन अपने घर नहीं जा पाते, तो यहाँ शिमला कैसे आते, है ना, है ना, है ना? हमारे सारे ग्रुप का बुकिंग इसी होटल में करवाया है। आज रात को संगीत होटल के सामने वाले मैरिज हॉल में रखा गया है। चिंता ना कर, शादी के बाद हनीमून के लिए तुम दोनों को यहीं पे सेट करा दूंगा। ये होटल है या म्यूजियम? मियां हजरत, पूरे शिमला में नहीं मिलता इससे अच्छा एक्सीलेंट और हिस्टोरिकल होटल। खाली होटल। Mm-hmm. 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 Mm-hmm.
करण कहाँ है? हुआ क्या? चल मेरे साथ। अरे बात क्या है यार, मैंने उसे देखा। किसे देखा? वो जिंदा है। कौन जिंदा है? प्रोफेसर बख्शी। जिंदा है तो 3 साल तक का था। What? क्या बकवास कर रहा है यार तू? यश ऐसे कैसे देखा? हमारे सामने तो वो खाई में गिर गया था और वहाँ से बचा नामुमकिन है। अरे मैं कह रहा हूँ वैसा ही चेहरा। चेहरा देखा तूने उसका? चेहरा तो नहीं देखा मगर 100% वैसा ही। अरे वैसा ही चेहरा देखा, कंफ्यूज कर रहा बेकार में यार। सुन तू मजाक में भी तान्या के सामने ये सब मत बोलना। तुझे मालूम है ना इसकी वजह से हम सब अलग हुए थे? हाँ लेकिन मैं सब मजाक करूंगा ही क्यों यार। मुझे मालूम है ये तू सब क्यों कर रहा है। मेरी शादी रुकवाने के लिए पपलू फेंक रहा है। अबे यार अब तुझे उठा के फेंकूंगा। समझा यार मजाक कर रहा है। चल 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 फेरे ले चल। तान्या मेरा दुपट्टा है क्या वहाँ पे? हाँ है। जल्दी ये लो। थैंक यू। नताशा आर यू रेडी? हाँ हाँ तैयार हो गई हूँ, बस लिपस्टिक लगा रही हूँ। कौन से कलर की है? लाइट पिंक कलर है, तुम्हें चाहिए? हाँ मुझे देना। बस मुझे मेरा थोड़ा सा टचअप करने दो फिर मैं देती हूँ। जल्दी देना। हाँ हाँ एक मिनट। नताशा ये लो। ए आई एम रेडी। हाँ तुम लोग सब लोग तैयार होके जल्दी बाहर आ जाओ। शीतल कम सून। माय गॉड इट्स सो कोल्ड। करण तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। स्टूपिड डरपोक। कितनी देर लगा दी? बाकी सब कहाँ है? दे कमिंग। चलो चलो। चलो मैं भी तैयार हो गई हूँ। लेट्स गो। शीतल लगता है सब चले गए। Who's there? चलो जल्दी करो, लेट हो रहा है। अरे क्या कर रही हो तुम? अब तुम आ रही हो या मैं जाऊं? हाँ हाँ अब तक क्या कर रही थी? चलो जल्दी सब वेट कर रहे हैं। रेडी हो रही थी। चलो चलो। एक संतो महाबुद्धि सर्वज्ञो गणनायक सर्व सिद्धि करो सेवा गौरी पुत्र विनायक ओम गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फल चारु भक्षणम उमा सुतम। हाय करण। इंडिया कब आई? कुछ दिन पहले ही। फिर सोचा कि तुम जरूर खुश और डॉली की शादी पर आओगे, यही सरप्राइज दे दूंगी। कैसी हो तुम? कैसी लग रही हूँ? I'm fine. Hello? Hi, Vicky. नहीं यार मैं 629 की मूवी पे नहीं आ सकती हूँ, मेरी शादी हो रही है। ऐसा करो Bye, चांदनी। Hi, नताशा। Hi, तानिया। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? क्योंकि तुम ही ना करण के सबसे बेस्ट फ्रेंड हो। क्या मेरे जाने के बाद करण मुझे मिस करता था? ऑब्वियसली करता होगा, लेकिन अब शो मुझे थोड़ा नाराज है। होगा क्यों नहीं, अचानक मैं जो उसे छोड़कर चली गई थी है ना। ऐसे क्या बंदरों की तरह चल रही है? कलीरे तुझ पे ही गिरेंगे। आखिर अगली शादी तेरी है ना? किससे? अरे यू डोंट नो, शी इज एंगेज्ड टू करण। हमारे खुश को संभाल लेना। अरे डोंट वरी यार,
ऐसी सुहागरात मनाऊंगी जैसे किसी ने नहीं मनाई होगी। अच्छा बहना, मिलती रहना। वाओ, तेरा चेहरा है या चूरमे का लड्डू, जी करता है एक ही बाइट में खा जा। चश्मा मत निकालो, मुझे कुछ दिखेगा नहीं। तुझे कुछ देखना भी नहीं है। डॉली, मेरा जी घबराने लगा, जरा देखो तो। मैं क्या देखूं? अरे 21वीं सदी की पत्नियां पति की रक्षा करती हैं। देखो, ये काम करते हैं, हम दोनों साथ में देखते हैं। चलो। सुहागरात ऐसी मनाऊंगी जो आज तक किसी ने ना मनाई हो, तो भाई मैंने सोचा कि मजाक ऐसा करूं जो आज तक किसी ने ना किया हो। हजरत, बाबा की जागीर समझ को मेरे एंटिक वाला कोट पहन को फिर रहे तुम्हें? आओ निकालो जी। ये हम शरीफ लोग के सोने का वक्त है, इस तरह धांधली करना, आना जाना, ये अच्छा नहीं लगता जी। जी हाँ, जी हाँ, बोल रहे। ऊपर से ये पोपट नहीं होने से कुछ भी होता। सो यश, दोबारा ऐसा मजाक मत करना। क्या तो भी ये लोग। या तीन कोटा थे, अभी दो हैं, ये तीसरा कहां गया? देखता हूं मैं। तानिया, तानिया, तुम यहां क्या कर रही हो? तानिया, मैंने तुम्हें ढूंढने की, कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं। करण, गलती मेरी थी। उस हादसे के शौक के बाद मैं बहुत दूर चली गई थी, फिर सोचा कि शादी में आकर तुम्हें सरप्राइज दे दूंगी, लेकिन यहां आकर तुमने मुझे सरप्राइज दे दिया। डॉली की विश थी हम दोस्त कुछ दिन साथ बिताएं। अच्छा हुआ उसका दिल रखने के लिए तुम यहाँ रुक गई। लेकिन करण, I've realized one thing. Wishes never come true. कंगाली में शादी की, इसके साथ यही होना चाहिए। पैट, पैट। नताशा पैसे दे यार, उसने सिर्फ 10 रुपए दिए। तुमने करण को देखा? अरे यार, वो तो सुबह सुबह उठ गई, गुलमर्ग हो गया था, स्वयं प्रकट हो गए। प्रभो प्रभो, पैसे निकालिए बियर के, जल्दी आइए। करण, तुम सुबह से कहाँ थे? कॉलेज गया था पुरानी यादों को ताजा करने, और फिर वहाँ से अंकल साहब के यहाँ भी गया था। तो मुझे भी बता दिया होता, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। तुम तो सुबह से घोड़े बेचकर सो रही थी। अरे करण, करण यार, उठा यार। रुक 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 रुक, किधर थी तू? आधे घंटे के लिए गई थी, घड़ी में देख कितने बज रहे हैं। अंकल सैम के कॉफी शॉप में गई थी, करण के साथ कैसे वक्त बीता पता ही नहीं चला। ओ करण, उधर छई छपा छई छपा क छई, पानी पे बूंदे उड़ाता हुआ लड़का देखा है कहीं। आ, 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 Oh, my God.
उसने मुझे छुरे से मारने की कोशिश की, वो वही होगा। चलो जल्दी मेरे साथ। करण मेरे साथ चल गया। यश आजा, देख लो, तुम लोग देख लो, इसी दरवाजे से चाकू निकला था बाहर। मैं यहाँ खड़ा था, मेरा फेस इस तरफ था, मैं दीवार से टकराया, बियर नीचे गिर गई। और ना मजाक कर रहा था ये। चल चल चल, अरे तू पागल हो गया क्या? इस बात को मजाक मत ले यार, वो अभी यही कहीं होगा। करण मेरी बात सुन, कोई भी नहीं है। करण मेरी बात सुनो, करण पैट एक बार गलत हो सकता है, बार बार नहीं। अगर वो कह रहा है कि उसने प्रोफेसर बख्शी को देखा है, तो हमें उनके घर जाके चेक कर लेना चाहिए। अरे पागल हो गई, उसके घर जाने की क्या जरूरत है यार? नहीं, चेक कर लेते हैं, कम से कम जिस डर में जी रहे उसे छुटकारा तो मिलेगा। अरे लेकिन उसके घर जाने की क्या जरूरत है? फंसवाएगा यार। कोई नहीं रहता। चलो यश, यहां पर तो कोई भी नहीं है। अरे इसकी बातें मत सुनना यार, ये पागल हो गया। जब तक उसे पक्षी नजर आया लगता है बरत की वजह से। ओ मिल गए। कहाँ थे भाई, कहाँ थे? आप हमें जानते हैं? मैं तुम लोगों को अच्छी तरह जानता नहीं तो क्या हुआ, धीरे धीरे जान जाऊंगा। हाँ लेकिन हम नहीं पहचानते आपको। ए पहलवान, इसको पकड़ ले, यहाँ का बर्फ निकाल वरना अंदर हो जाओगे। ऐसी बात नहीं है, अरे बर्फ नहीं निकालोगे तो यहाँ से निकलोगे कैसे? गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। निकलो, कम ऑन, मूव फास्ट, कम ऑन, कम ऑन, फास्ट फास्ट। ताशु जल्दी बैठो। ओए फावड़ा कितने? ए मिस्टर पोपट लाल, वैसे पोपट हरे होते हैं मगर ये पोपट लाल है। तुम लाल। जो भी हो लेकिन हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? हमारे पीछे पीछे होटल तक आने की जरूरत क्या है? अरे कमाल कर रहे हैं आप लोग यार। अरे गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, मैं भूत बंगले में जाऊं, गाऊं, ब्रेक डांस करूं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाइए ना भूत बंगले में। जाइए कहाँ, आ गया हूँ भूत बंगले में। मैं इस होटल का मालिक नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैनेजर तो हूँ। और इस होटल के चपरासी लगते हैं तो क्या हुआ, मालिक हैं। कितनी बार का ढंग के कपड़े पहना करो। क्या रे जादू करके पोपट किरकिरी कर रहा, किरकिरी कर रहा। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, पूरा स्टाफ होटल का छुट्टी पे गया तो थोड़ी तकलीफ हो गई। ये पोपट आ गया, सारे काम मैनेज कर रहा। गुड नाइट। क्या सोच रही हो तानिया? कुछ नहीं, पैट ने तो डरा ही दिया। 3 साल बीत गए लेकिन करण, आई यू श्योर वहाँ प्रोफेसर बख्शी नहीं थे? नहीं थे तानिया, एनीवे कल हम यहाँ से निकल ही रहे। आई मिस यू ऑल। शादी कब कर रहे हो? तारीख फिक्स नहीं हुई। अपनी शादी में मुझे बुलाओगे? तुम आओगी? नहीं। गुड नाइट।
ठीक से But I think it was Professor Bakshi. अरे क्या हुआ यार नताशा इतनी डर गई? अभी डराने का नाटक बंद कर. अरे come on यार मैंने किसी को नहीं डराया इस बार. कौन होगा? तो फिर कौन हो सकता है? एक मिनट मैं अभी देख कर आता हूँ. क्या हुआ यार? अरे कोई नहीं है यार. ताशु कोई नहीं है. सब तुम्हारा वहम है. मेहरबानी करके तुम सब प्रोफेसर के नाम पे डरना बंद करो. नताशा अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे कमरे में आके सो जाओ. हाँ अब हम हमारी सुहागरात घर जाकर ही मनाएंगे. नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं. नताशा तुम मेरे कमरे में आ जाओ. नो तानिया इट्स ओके आई एम फाइन. चलो मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ. चलो यश नहीं था. यश नहीं था तो कौन था? था कौन यार? सोच मत. चुपचाप हो सके उतने पटियाला पैक मार और सो. यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगा. बस ट्रेन टैक्सी जो मिले पकड़ के निकल लूंगा. सोने भी नहीं देंगे लोग. हेलो हेलो इस रूट के सभी मैनेजर व्यस्त है. कृपया थोड़ी देर बाद में फोन ना करिए. धन्यवाद. मैं यहाँ आया ही क्यों यार? और भी तो तरीके हैं सुसाइड करने के. भैया पैक नहीं डरूंगा. अरे यार ये लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं यार? मैं कब से इन्हें रिलैक्स. डरने की कोई बात नहीं. कुछ नहीं होगा. वो प्रोफेसर जिंदा नहीं है. ये सब तुम्हारा वहम है. यू ट्रस्ट मी? इस डर को तो तुमने हटा दिया. और कौन सा डर है तुम्हें? करण यू नेवर लीव मी ना. तुम मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं तुमसे करती हूँ. तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी. तुम हो तो सब कुछ है. तुम नहीं तो कुछ नहीं. इसी बात का डर है तुम्हें? जब दो लोग एक दूसरे के करीब होते हैं ना तो वो नहीं उनके दिल की धड़कनें बोलती हैं. और दिल की धड़कन कभी झूठ नहीं बोलती. हेलो. हाँ तानिया बोलो. हाँ अभी पहुंचता हूं. तानिया को मुझसे कुछ बात करनी है. करण तुमने तो कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे.
जाओ। तान्या, इस वक्त कुछ काम था? मैं तुम्हें कुछ लौटाना चाहती हूँ। क्या? रिश्तों के साथ साथ इसके धागे भी कच्चे हो गए हैं। इससे पहले कि ये टूट जाए, इसे ले लो प्लीज। और वैसे भी अब तो तुम्हारी हर चीज पर नताशा का हक है। तान्या, जब दो लोग एक रिश्ते में बंधते हैं ना, तो क्या ये जरूरी है कि वो उसी रिश्ते को कायम रखें? रिश्तों के रंग भी तो बदल सकते हैं। शायद जिस रंग से हमने शुरुआत की थी, हम उसे कायम नहीं रख सके, लेकिन हम दोस्ती का रिश्ता तो निभा सकते हैं ना, है ना? गुड नाइट करण। तारीख कौन सी है? किसकी? तुम्हारी शादी की। क्यों? मैं आऊंगी। अगरबत्ती जला को धुआं धुआं कर दिया, सत्यानाश तेरा। सेठ जी, इस बदबूदार होटल में इस अगरबत्ती की वजह से खुशबू मिलती है, आपके अब्बा की आत्मा को शांति मिलती है और कोई बुरी आत्मा नहीं भटकती है। बुरी आत्मा कौन रहे? कौन है? एक तरफ आप हैं, एक तरफ आपके अब्बा हैं। कितने अच्छे इंसान थे, इन्हीं की वजह से मैं टिका हुआ हूँ। हाँ, टिक गया, इनको ऊपर टिका दिया। मनु साढ़े सात नरकुंडी कहीं करे, आते मेरे बाबा को खा गया। मैं खा गया? मैं नरकुंडी साढ़े सात? फोन उठा के तेरे को देखता हूँ मैं। कुंडी साढ़े सात। हेलो, हेलो अब्बा। ये सर, दुआ करो बेटे को जरा अकल आ जाए। ए पोपट, कमरा नंबर 609 में एक चिकन सैंडविच, एक वेजिटेबल सैंडविच और एक बाटली पानी ले जा, ले जा, तू लेके जा रे, जा। किचन में मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? अरे अजीब गरीब आवाज आते हैं यार। एक तो अब तुम्हारे किचन में मर गए थे, किचन में मैं क्यों जाऊँ? बाहर से मंगाओ ना यार, किचन में बार बार भेजता हूँ ना, करो इसको मतलब कहीं भेजो। ठीक है, अभी जाऊंगा, बार बार नहीं जाऊंगा मैं किचन में। मेरे कुछ कुछ करना पड़ेगा नरकुंडी। कूल पे गिरा नो प्रॉब्लम। Mm-hmm.
Are you okay? नहीं करण। You okay ना? चलो। आग! आग! कहाँ आग लगी है? अरे मैं फायर ब्रिगेड में नौकरी नहीं किया तो क्या हुआ? मगर आग तो बुझा सकता हूँ। कहाँ आग लगी है? आग नहीं लगी है। स्टीम बाथ का टेम्परेचर बढ़ गया था। अरे करण, तुझे तो चोट लगी है। मैं कमरे से दवाई लाता हूँ। Oh God. किस तरह का होटल है तुम्हारा? स्टीम बाथ का टेम्परेचर अपने आप हाई हो जाता, लॉक हो जाता दरवाजा। देखिए मिस्टर, पहली बात तो ये है कि स्टीम बाथ का दरवाजा बाहर से लॉक नहीं होता, अंदर से धक्का लग गया होगा लॉक हुआ होगा। और दूसरी बात ये है कि टेम्परेचर अपने आप नहीं बढ़ता, मैडम ने ज्यादा घुमा दिया होगा। अरे मैम साहब पागल है क्या? नहीं मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ जो पाइप लेके घूम रहा हूँ? मैं फायर ब्रिगेड वाला हूँ क्या? ये क्या है ये? अरे दवाई है बाबा। बम तो नहीं है ना? ये लो दवाई लगा। यश मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? लाओ तानिया, मैं लगा देती हूँ। तानिया अगर तुम चाहो तो मेरे कमरे में सो सकती हो। नहीं इट्स ओके, वैसे भी सुबह होने में अब कितना वक्त बचा है। ओहो, सुबह सुबह इतने सज झत्तर कहाँ जा रहे हैं आप लोग? वापस दिल्ली। आप लोग नहीं जा सकते। ऐसी बात नहीं है, कहाँ जाएंगे आप लोग? मेन रोड पर जरा देखिए, बर्फ जमी हुई है और आपकी कार वेनिला आइसक्रीम बनी हुई है। बस बंद है, ट्रेन बंद है, फ्लाइट बंद है, कैसे जाओगे? पोपटलाल कुछ करो, हमारा दिल्ली जाना बहुत जरूरी है। अरे हाँ एक काम करो भाई, पीछे के रास्ते से निकल लो। थैंक्स। ऐसा कह देता मैं, पीछे रास्ता हो तब ना। एक काम कीजिए, हमारे स्टोर रूम के पीछे एक 20 फुट का कुआ है, उसमें उतर जाइए, उसमें से एक सुरंग निकलती है। सुरंग दिल्ली निकलती है क्या? नहीं कारगिल। पोपटलाल मजाक मत करो, हमें किसी भी हालत में दिल्ली जाना है, कुछ करो। क्या करूं? एक एक गोद उठा के दिल्ली छोड़ के आऊं क्या? आप एक काम कीजिए। हाँ जी। आप मेरी दिल्ली फोन पर बात करवा दीजिए। ठीक है, मगर ऐसे सीजन में सबसे पहले फोन को बुखार आ जाता है और हमारे सारे फोन डेड हैं। तो अब पैट साला उस्ताद निकला जो रात ही को निकल गया, पता नहीं साला कहां तक पहुंचा होगा। कुछ नहीं हुआ यार। यार सुबह से खेलते खेलते वेट तो हाथ पैर दुखने लगे हैं। तानिया एक बात बता। क्या? अरे डोंट वरी यार, पर्सनल ही है। तेरे और करण के बीच में इतना प्यार था, उसमें सडनली दी एंड कैसे लग गया? और अब जब नताशा और करण की शादी हो रही है तुझे बुरा नहीं लग रहा? Let's not discuss that. मतलब तुम अभी भी करण को लव करती हो? पक गए यार यहाँ पड़े पड़े, पता नहीं साली बर्फ कब हटेगी। ये ले पियर। मैं भी बहुत बोर हो गया। I just come. Take care, man. ये लाइट को क्या हो गया? ओह गॉड, ये लाइट को भी अभी जाना था। डॉली जरा कैंडल ढूंढो ना। ओह वाओ, क्या ब्लैक आउट हुआ है। तुम्हें पता है अभी मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ होता तो मैं क्या करती? क्या करती? करण करण, कहीं वो प्रोफेसर बख्शी ने तो लाइट नहीं उड़ाई? वो कुछ भी कर सकता है यार। कौन है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कैंडल लेने आई थी। पोपटलाल तुम्हारा होटल है या भूत बंगला? भूत बंगला नहीं है। चलिए अपने कमरों में जाइए और टकराते आराम कीजिए। हाँ वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, गुड नाइट। चलो डॉली, डॉली लगता है अपने कमरे में चली गई। हाँ
क्या हुआ खुश? करण करण डॉली रूम में नहीं है। अरे बेटा रोता क्यों है? यहीं कहीं होगी और क्या? ताशु या तान्या के रूम में होगी। नहीं चल देखते हैं। तान्या डॉली तुम्हारे कमरे में है? पता नहीं अभी तो वो मेरे कमरे में थी पर जब लाइट आई और मैं वापस आई तो वो नहीं थी। शायद वो अपने कमरे में होगी। वो नहीं है, वो कहीं नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना। चिंता मत कर, वो यहीं कहीं होगी। अरे यार अपना मोबाइल का सिग्नल पकड़ने के लिए यहाँ कहीं घूम रही होगी और क्या। यश चलो उसे ढूंढते हैं, चल। ओके मैं भी चलता हूँ। चल यार। टॉली 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 मुझे लगा कि तुम मर गया हूँ। वैसे मैं मर ही गया हूँ, खाली आत्मा भटक रही है। ऐसे होटल में काम करना मौत के बराबर है बाबा। आपके यहाँ बॉडी बनाने है? अरे नहीं यार, मेरे ग्रुप की एक लड़की डॉली मिल नहीं रही है। कौन है? मोबाइल वाली? हाँ तुमने देखा उसे? देखा क्या, यहीं कहीं सैटेलाइट पे होगी। चलो ढूंढते हैं। अरे छुटकारा मिला ऐसे नौकरी से, ऐसे कस्टमर से जो होटल में रहते रहते गुम हो जाए। ए भगवान कौन खड़ी है भाई? हेलो मैम साहब, चाय पानी वगैरह लाऊं? हैं? सॉरी डिस्टर्ब किया। ओके आपका नाम डॉली मैम साहब तो नहीं? शायद ठंड में जबान कुल्फी हो गई है। फोटो खिंचवाने खड़ी है क्या? फोटोग्राफर भी तो नहीं है यहाँ। गुड नाइट मैडम, सॉरी फॉर द ट्रबल, एंजॉय योर स्टे। डॉली 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 डॉली, डॉली 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 Yes! Hey!
लोगों ने जब मुझे मारने की कोशिश की थी मैं तुझे तभी मार देता, लेकिन मैं तानिया को मारना चाहता था और वो तुम्हारी वजह से बच गई। करण, तुम्हारी वजह से। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था लेकिन वो मुझे पागल समझती थी, मुझे छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने क्या किया, उसे जान से मारकर घर में ही रख लिया। तुम लोगों की वजह से पुलिस को मेरी बीवी की लाश मिली और फिर वो मुझसे दूर हो गई, और फिर तुम लोगों की वजह से पुलिस मेरे पीछे पड़ी। 3 साल तक मैं छुपता रहा और फिर जब मैं वापस लौटा तो मुझे खबर मिली कि तुम लोग शिमला छोड़ गए थे। फिर मालूम पड़ा कि डॉली और खुश की शादी हो रही है। मुझे यकीन था कि तुम लोग शादी पे जरूर मौजूद होगे। मैंने तुम्हें किसी और नाम से टेलीफोन भी किया करण, पहले मैंने पैट को खत्म किया, आज यश को खत्म किया और अब तुझे खत्म करूंगा। तुमने डॉली को भी मारा? मारना तो मैं भी डॉली को चाहता था, लेकिन कोई मुझसे पहले मेरा हक छीन गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं तो यहां हूं तुम्हारे सामने, तो वो कौन है? खुश, करण, खुश, करण, तानिया, 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 खुश, खुश। करण, अरे भाई रास्ता खुल गया है, तानिया नताशा के साथ में गाड़ी भी गई है अभी। तो इसका मतलब तानिया ताशु को भी? ओ गॉड, अब क्या इसकी बारी है क्या? प्रोफेसर बख्शी थे? हाँ करण, वो प्रोफेसर बख्शी थे। लेकिन ताशु, प्रोफेसर बख्शी तो मेरे साथ थे। करण, इसका मतलब खुश कहना चाह रहा था कि तानिया को बचाओ, और मैं समझा कि ताशु, बताओ तानिया कहाँ है? Where's Tanya? 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 Tanya, you okay? तुम ठीक हो? Why, ताशु, why? ये तुमने क्यों किया? Why? तुमने ये सब क्यों किया? Because I love you, Karan. क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ. Because I love you. I love you, Karan. I really love you. और तुमने मुझे झूठ बोला था. तुम अंकल साहब के यहाँ गए थे तानिया से मिलने. जब पैट ने बताया कि उसने प्रोफेसर बख्शी को देखा है, तो मैंने उस बात का फायदा उठा लिया।
टोली टोली बेचारी तो अंधेरे का शिकार बन गई। करना प्रॉमिस, मैं तो तानिया को मारने गई थी और कुश कुश ने मुझे देख लिया तो मैंने उसे भी करण, आई एम सॉरी करण, करण तुम मुझे माफ कर दोगे ना? प्लीज करण, तुम मुझसे शादी करोगे ना? नहीं करोगे ना शादी? नहीं ना, नहीं करोगे ना मुझसे शादी? करण, तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं था, बस यूं ही सहारा देते रहे। करण करण, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम अगर मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे तो जीने का क्या फायदा? ताशु रुको, ताशु प्लीज स्टॉप, ताशु रुको, आई लव यू, ताशु रुक जाओ, आई लव यू, ताशु, 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 ताशु। ए करण, करण रुकना यार, मेरी बात सुनना, रुकना। स्टूडेंट्स, आज कॉलेज का पहला दिन है। हम यहाँ मौजूदा स्टूडेंट्स के साथ साथ उन स्टूडेंट्स को भी याद करेंगे जो अब हमारे बीच नहीं रहे। लेट्स प्रे फॉर देम। तेरे लिए तो जान भी हाजिर है यार। ओह ये! अरे जिंदगी का क्या भरोसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है ना? अरे कुछ कुछ कर ले यार लाइफ में, वरना जिंदगी भर पछताएगा। करण समझा यार इसको। ए करण, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैंने सिर्फ तुमसे किया है। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। Why? Why? Stop. चल यार, फ्लाइट का वक्त हो गया है। पुलिस ने मेरा बयान भी लिया और बख्शी को गिरफ्तार कर लिया है। करण, I'm sorry, मेरी वजह से ये सब। नहीं तान्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। अब क्या करोगे? बस रूटीन, दिल्ली, मैं और मेरा काम। अगर कोई कोई तुम्हारा साथ देना चाहे तो? मेरा नाम यश है। बचपन में जब मैं छोटा सा था ना, हम बहुत गरीब थे और मेरे पापा डांस बार में डांस किया। यू नो बियर मार के ना डांस बार।